ओम शांति आंख बंद कर लीजिए सामने पिक्चर लेकर आइए बेस्ट वर्जन ऑफ मी अभी भी हम बहुत अच्छे हैं बहुत बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है। सो लुक सेल्फ एज इफ यू आर लुकिंग एट समबड़ी एल्स साक्षी होकर देखें द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ मी The powerful version of me. Specific देखना कौन से संस्कारों में अभी से और ऊपर उठना चाहते हैं सोच में बात करने के तरीके में शब्दों में वो कैबलरी व्यवहार में तीन चीजें सिलेक्ट कर लीजिए स्पेसिफिक थ्री दिस इज द पोटेंशियल आई हैव दिस इज हाउ आई सी माई सेल्फ स्पेसिफिक थ्री चेंजेस अगर मैंने वो तीन चेंज अपने अंदर लाए तो मेरी वाइब्रेशन जो आज है उससे और बहुत ऊपर चली जाएगी स्पेसिफिक तीन सेलेक्ट करने हैं। अब अपना फोन उठाए और उस पर वो तीन टाइप करते हैं आपने किसी और को नहीं बताने हैं वो दैट्स ओनली फॉर यू तीन चीजें हमें खुद को पता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी शिफ्ट लाती हूं आई एम गोइंग टू रेज माई वाइब्रेशन लिख कर रख ले क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट नहीं याद से हमारा लक्ष्य बनेगा गोल हम क्या करना है उसमें गोल्स रखते हैं मुझे ये करना है ये बनना है यहां तक पहुंचना है फिर हम गोल्स अपने बच्चों के लिए रखते हैं इनको ये बनाना है एंड जितने भी गोल्स हम रखते हैं वो सिर्फ गोल रखने से हम नहीं पहुंचते हैं गोल रखने के बाद क्या करते हैं गोल रखने के बाद क्या करते हैं हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं दृढ़ता रखते हैं अगर उसमें कुछ फेलियर मिलता है तो हम उस पर अप नहीं करते हैं कहते नहीं मुझे ये बनना ही है मुझे ये करना ही है मुझे ये करना ही है मुझे ये करना ही है और हम पहुंच जाते हैं किस किस ने अपने जीवन में गोल रखा और पहुंच गए हाथ उठो पहुंचे हाथ उठाने में शर्माना थोड़ी चाहिए उठाना चाहिए अच्छे से इसमें कोई ईगो नहीं है इसमें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए और कई बार वो गोल ऐसा होता है जो हमारे आसपास के लोगों ने कहा होता है ये तो नहीं हो सकता ऐसे भी गोल्स होते हैं ना और बॉम्बे शहर में तो ऐसा वाला गोल लेके सबसे ज्यादा आते हैं पूरे देश के अंदर तो इस शहर में तो वो एनर्जी है वो वाइब्रेशन है क्योंकि इस शहर में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको उनके घर वालों ने अपने शहर वालों ने परिवार वालों ने बोला था तुम फेल तुम नहीं बन सकते ये जो तुम बनने जा रहे हो तो इस शहर में तो विशेष वो एनर्जी है क्योंकि हर एक जिसने वो गोल अचीव किया उसके पास एक मिरेकल स्टोरी है अपनी लेकिन वो मिरेकल कौन क्रिएट करता है वो मिरेकल क्रिएट करता है हमारी दृढ़ता लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आए होंगे इस शहर में जो भी गोल लेकर आए होंगे लेकिन उस गोल के साथ उन्होंने क्या नहीं रखा था दृढ़ता तो गोल रखना तो बहुत ईजी है लेकिन गोल के साथ हमें क्या चाहिए होता है सिर्फ थोड़ी सी दृढ़ता एंड उस दृढ़ता के साथ चाहिए होती है पावर कि अगर हमारे आसपास के सब लोग भी बोले ना कि हम नहीं अचीव कर सकते तो भी ऐसे चलना है मतलब अनटच्ड बाय पब्लिक ओपिनियन पब्लिक मतलब कोई भी इट कैन बी आर ओन फैमिली अनटच्ड बाई पीपल्स ओपिनियन और हम ऐसे चलते हैं और हम अचीव कर लेते हैं आप बहुत साक्षी होकर सोचिए कि बाहर कुछ अचीव करना जिसमें बहुत सारे होर्डल्स आ सकते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं बहुत सारी बातें आ सकती हैं वो अचीव करना ज्यादा ईजी है या अपने कोई संस्कार को चेंज करना ज़्यादा ईजी है कौन सा ज्यादा ईजी होता होगा बाहर वाला ज्यादा इजी है सीरियसली केतकी बहन बाहर वाला ज्यादा इजी है oh, कैसे बाहर वाला ज्यादा इजी है पता है बाहर वाले में तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं ना उसमें सिर्फ हम फैक्टर नहीं होते हैं कई बार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं साथ काम कर रहे सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हो रही हैं हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो बाहर के कोई भी गोल अचीव करने में हम अकेला एक फैक्टर नहीं होते बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं हाँ लेकिन दृढ़ता से हम उन मल्टीपल फैक्टर्स को भी क्रॉस करते हैं लेकिन फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं और संस्कार को चेंज करने में तो संस्कार को चेंज करने में कितने फैक्टर्स होते हैं एक ही तो अपने आप से पूछना चाहिए जब हमने इतने सारे फैक्टर्स क्रॉस कर लिए तो इसको क्रॉस करना तो सबसे इजी है लेकिन इसको हम क्यों कभी कभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम उस तरह से एक गोल रखकर एक डिटर्मिनेशन रखकर कि ये तो मुझे करना ही है वेर एवर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज ग्रो। मतलब जहां हमारा अटेंशन जाएगा कि मुझे ये करना है हमारी एनर्जी उस तरफ पहुंचेगी और जहां हमारी एनर्जी जाएगी वो चीज मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी अगर हम बाह्य परिवर्तन के लिए कुछ रखेंगे वहां मेडिकल्स क्रिएट करेंगे और अगर हम थोड़ा सा वो इधर तो उसका टेन परसेंट भी नहीं रखना पड़ता जितना हम बाहर करते हैं लेकिन सिर्फ क्या हुआ हमने इसको अपना गोल नहीं बनाया है कभी गोल बनाया कि मेरे को ये संस्कार चेंज करना ही है और वो भी टाइम बाउंड गोल हम क्या करते हैं न्यू ईयर के दिन एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं बर्थडे के दिन एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं और पहले तो छह महीने से बोलते रहते ये चेंज ना वो डे से वो डे से करेंगे वो डे से तो छह महीने तो वैसे ही पोस्टपोन हो जाता है भाई तो ये चेंज आपने करना था आपने सुबह जल्दी उठना था फर्स्ट ऑफ जनवरी से करेंगे फर्स्ट ऑफ जनवरी नहीं बट थर्टी फर्स्ट तो लेट नाइट सेकेंड जनवरी से करेंगे सेकेंड जनवरी से सो एनी वेज बी पोस्टपोन दैट थिंग जितना हम उसको वो करते हैं एक पोस्टपोन दूसरा डाउट और तीसरा टच्ड बाय पीपल्स ओपिनियन उतना हमारी डिटर्मिनेशन की क्वालिटी क्या होती जाती है एक रिसर्च हुई थी कि मेजोरिटी लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन फिफ्थ जनवरी से ज्यादा नहीं लेके जा पाते क्यों क्योंकि वो सिर्फ एक रेजोल्यूशन रख दी हाँ मुझे ये करना है बस उसके ऊपर वो दृढ़ता वो रोज उस बीज को पानी देना रोज उसकी प्रोग्रेस को चेक करना रोज उसको और रिअफर्म करके स्ट्रोंग बनाना वो सब नहीं हो रहा था तो ऐसे ही गोल नहीं मैनिफेस्ट हो सकता है अब आप सबने अपने तीन चूज कर लिए किसी को तीन चूज करने में मुश्किल ऐसे वाला तो नहीं कि अपने पड़ोस वालों का ढूंढ रहे थे इनके अंदर ये वाली तीन बातें वो किताब जो बिकी ना ज्यादा वाली क्योंकि हम ज्यादातर दूसरों के संस्कारों को ऊपर देख रहे होते हैं इसके अंदर इंटेंशन बहुत अच्छी होती है मेरे बच्चे के अंदर ये चेंज हो जाए मेरे स्पाउस के अंदर ये चेंज तो वो दिखाई देते हैं कि उनके अंदर कौन से चेंजेस की जरूरत है और उनको हमारे अंदर के दिखाई देते हैं कि हमें कौन सी जरूरत है एनीबडी जिसको नहीं मिला सबको मिल गया एनीबडी वॉन्स टू से कौन सा वाला आपने चूज किया के के कौन सा चूज किया पर्सनल है तो नहीं बोलना हाँ मतलब पावर ऑफ लिसनिंग ये वाली लिसनिंग या ये वाली लिसनिंग दो लिसनिंग होती है है ना दो लिसनिंग होती है एक हम यहां से सुन रहे हैं लेकिन यहाँ हम कुछ और सोच रहे हैं तो हम सुन नहीं रहे हैं और एक है हम यहां से भी नहीं सुन पाते हम जल्दी से अपना बोलते हैं लेकिन यहां से तो हम फिर भी कर सकते हैं कि चुप रहेंगे चेक ये करना है कि क्या मैं यहां से लिसन कर रही हूं और लिसन मतलब ये नहीं कि हम किसी और बारे में सोच रहे हैं लिसन मतलब जब कोई कुछ बोल रहा है हम अपनी चीज उसके बारे में अंदर सोच रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे करते हैं मतलब वी आर टॉकिंग टू मच इनसाइड तो जब हम अंदर बोल रहे होते हैं तो हम सामने वाले की बात सुन नहीं सकते हैं तो वन थिंग पावर टू इंक्रीज माई लिस पावर एल्स एनिब जी वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई हैप्पीनेस वेरी गुड उसके लिए उसकी लीकेज को हटाना है कौन सी चीज हैप्पीनेस को जब तक हम लीकेज को नहीं ढूंढेंगे ना मुझे हैप्पी होना है ठीक है तो हमारा नेचुरल स्वरूप है कौन से संस्कार मेरे हैं जो को घटा रहे हैं? वो चूज anger तो है ही वो तो अपना फ्रेंड है ना बैठा रहता है साथ में वो क्यों नहीं जाता है क्योंकि डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम इसके बिना काम नहीं होता है जब तक ये बिलीफ सिस्टम नहीं जाएगा तो हम उसको कोने में छिपा के रखते हैं कि इसकी जरूरत तो पड़ती ही है और फिर समाज भी ऐसे बन गया कि थोड़ा सा गुस्सा करो ना तो काम जल्दी होते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम फिर से रीनफोर्स होता है देखा यही बात में अगर उनको प्यार से बोलती ना नहीं करते जोर से बोल दिया कर दिया सो डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करते हमारा संस्कार नहीं चेंज होता है हाँ जी तो हमें पता है क्या राइट है बट हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है एनीथिंग एल्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय पीपल नॉट टू बी अफेक्टेड बाय पीपल मतलब लोग मेरे बारे में जो कहते हैं उससे मुझे पहली बात ये चेक करते हैं कि लोग जो मुझे मेरे बारे में कहते हैं उसमें हमें फर्क पड़ता क्यों है फिर नहीं पढ़ना तो सेकेंड स्टेज में आएगा पढ़ता क्यों है क्यों क्योंकि बचपन से जब हम इतने इतने एज के थे तो जब हमारे घर कोई आते थे पता नहीं आजकल होता है कि नहीं अपने टाइम पे होता था कि जब वो आते थे तो, तो हम कहते थे गाना सुनाओ अपनी पेंटिंग दिखाओ अपनी विच वॉज अ गुड थिंग कि बच्चे को जो जो आता है वी शो इट टू फ्रेंड्स टू रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग वो बहुत छोटा बच्चा होता है उस टाइम वो बच्चा ना जो उसको उस टाइम दिखता है वो एकदम ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस में डाल लेता है जैसे ही हमने कुछ ऐसा दिखाया कुछ करके दिखाया हर एक ने कहा गुड गर्ल गुड बॉय उन्होंने ये नहीं कहा गुड पेंटिंग अगर उन्होंने कहा होता ना गुड पेंटिंग तो वो पेंटिंग के लेवल पर रह जाता या गुड परफॉर्मेंस या गुड सिंगिंग नहीं उन्होंने कहा गुड गर्ल गुड बॉय नाउ इक्वेट करो इसको कि जब लोग कहते हैं दैट आई एम अ गुड गर्ल तब आई एम अ गुड गर्ल ये कब बैठा कॉन्शियसनेस के अंदर जब हमें राइट्स एंड रॉन्ग्स गुड एंड बैड्स की डेफिनेशन भी नहीं पता थी हमारी वो प्रोग्रामिंग होती गई और जब लोगों ने कहा गुड गर्ल गुड बॉय तो हमारे लिए ताली भी बची अप्रीसीएशन Appreciation. अप्रिसिएशन Appreciation, सब कह रहे हैं कि मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं और अगर सबने कहा ये गलत तो मैं गलत उस टाइम में बुरी हूं सो आई ग्रू अप बिलीविंग दैट दिस इज नॉर्मल से इज ट्रू अब धीरे से चेक करते हैं कि वट पीपल विल से अबाउट मी एकदम ध्यान से सुना लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे वो किसके बारे में बोल रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल लोगों को छोड़ो आपने जो अभी ड्रेस पहनी है लोग उसके बारे में ओपिनियन देते हैं अपना तो आज थ्री हंड्रेड लोग हैं यहाँ एक एक जना आ जाओ आपको थ्री थ्री हंड्रेड ओपिनियन मिल जाएंगे ठीक है विच इज फाइन जब कोई ओपिनियन दे रहा है ओपिनियन किसके थ्रू आ रहा है क्या बेसिस है उस ओपिनियन का उस बेसिस क्या है उस ओपिनियन का देयर ओन परसेप्शन इसको डबल अंडरलाइन करके रखना अपने पास सो इफ यू आर वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस इफ आई लाइक व्हाइट कलर आई यू आर लुकिंग सो प्रिटी क्योंकि व्हाइट मेरी लाइक like में आता है सो इट्स लेस अबाउट योर ड्रेस एंड इट इज मोर अबाउट माई संस्कार अगर मुझे व्हाइट नहीं पसंद है या मैं समझू व्हाइट तो सिर्फ जब कुछ ऐसा होता है तभी पहनना चाहिए तो आप आएंगे और मैंने कहा कोई और कलर नहीं मिला व्हाइट क्यों पहना आप वही हैं आपकी ड्रेस वो ही है लेकिन अलग अलग लोग उसके बारे में अलग अलग ओपिनियन देंगे बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन देयर ओन संस्कार अगर हम इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लें कि मेरे बारे में जो राय दे रहा है वो अपने संस्कारों को दर्शा रहा है ये सिर्फ नेगेटिव के टाइम नहीं है अगर कोई आपकी बहुत महिमा कर रहा है आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है तो भी वो किसके संस्कारों को दर्शा रहा है इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर कमियां नहीं है कमजोरियां नहीं है इट्स जस्ट दैट उनका संस्कार है अच्छाई देखना और वो अच्छे संस्कार देखते हुए मेरी महिमा कर रहे हैं लेकिन वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं सो वेन यू गेट एन ओपिनियन फर्स्ट थिंग द माइंड एस टू से दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेट ऑफ माइंड दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर बिलीव सिस्टम दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर संस्कार उसमें से अगर कुछ लेना है तो हम ले लेते हैं और कुछ नहीं लेना है तो भी शुक्रिया लेकिन हम तब ये नहीं कहते कि दे आर रिफ्लेक्टिंग दे संस्कार हम कभी नहीं बोलते हम कहते मेरे बारे में ऐसा बोल दिया तो जैसे कि वो लोग मेरे संस्कारों पे ओपिनियन दे रहे हैं वो अपने संस्कार मुझे दिखा रहे हैं अगर किसी को बुखार है वायरल है उसको मीठी मीठी खीर भी बड़ी कड़वी लगती है लगती है कि नहीं लगती आप उसको टेस्टी टेस्टी खीर बना के कहते छी बहुत कड़वी है तो क्या खीर को बुरा लगता है खीर को बुरा लगता है नहीं क्योंकि खीर को पता है कि वो क्या है सो ऑल दैट वी नीड इज वी नीड टू नो हो वी आर तो कोई अगर आपकी बहुत महिमा करे जी आप तो बहुत अच्छे हो आप तो बहुत अच्छो तो भी पता होना चाहिए मैं क्या हूं किधर हूं कहाँ पहुंचना है क्या चेंज लाना है ध्यान महिमा में रखना है ध्यान अप्रिसिएशन के टाइम रखना है क्रिटिसिज्म इसलिए अफेक्ट करती है क्योंकि अप्रिसिएशन अफेक्ट कर गई थी पेंडुलम को रखिए यहां सेंटर पे, अगर ये पेंडुलम सेंटर में होगा जब अप्रिसिएशन मिलेगी तो जब ऑपोजिट मिलेगा तो भी ये पेंडुलम सेंटर में होगा अगर जब मुझे अप्रिसिएशन मिलती है तो मैं ट्वेंटी परसेंट एक्साइटेड हो जाती हूँ तो सिंपल साइंस है क्रिटिसिज्म में भी 20 ही इस साइड जाऊंगी अगर मुझे महिमा मिलती है मैं नाइंटी परसेंट एक्साइटेड हो जाती हूँ तो सिंपल है जब नेगेटिव होगा तब भी नाइनटी परसेंट ही जाएगा पेंड्यूलम इधर तो ध्यान नेगेटिव के टाइम नहीं रखना है ध्यान किस टाइम रखना है जब सब अच्छा बोल रहे हो आपके बारे में तब भी ये याद रखना कि शुक्रिया ये तो अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को दर्शा रहे हैं ये अपने अच्छाई देखने के संस्कार को दिखा रहे हैं ऐसे थोड़ी है कि मेरे अंदर कमजोरिया नहीं है तो पेंड्यूलम को कहाँ रखना है सेंटर ये हंड्रेड परसेंट है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये महिमा में टेन परसेंट जाता है और क्रिटिसिज्म में फिफ्टी जा नहीं सकता इट सिंपल साइंस है कि पेंडुलम सिर्फ जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा तो परमात्मा सिखाते हैं निंदा स्तुति निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख एक समान सुख कोई अच्छी सिचुएशन आई बहुत एक्साइटेड हाइपर वाह हम कहेंगे एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो फिर जब ऑपोजिट सिचुएशन आएगी तो आई एल गो डाउन इन द डंप्स इट इज सिंपल साइंस है ये हम अपने माइंड को कितना फ्लक्चुएट करने दे रहे हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर तो जब अच्छी सिचुएशन आई तो भी शुक्रिया और जब कोई फेवरेबल नहीं आई तो भी शुक्रिया ये मेरे अंदर की कोई शक्ति को इमर्ज करेगा आप तो ये लाइन को पकड़ के रखना है निंदा स्तुति जय राजय सक्सेस फेलियर इज नॉट अबाउट व्हाट्सिंग आउटसाइड इट्स अबाउट व्हाट्स है Success, failure, अगर यहां कुछ अच्छा हुआ और हम सुपर एक्साइटेड हो गए तो हम फेल हुए यहाँ पे क्यों फेल हुए क्योंकि हमने सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने दिया है कुछ अच्छी सिचुएशन आई शुक्रिया कोई नई अच्छी सिचुएशन आई तो क्या बोलेंगे तो बोलना इसमें भी मेरे लिए कल्याण है क्योंकि उसमें होता ही कल्याण है उसमें होता ही कल्याण है लेकिन वो कल्याण हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देता है किस किस को ऐसा हुआ लगा ये अनफेवरेबल और थोड़े टाइम के बाद बोला वो अच्छा हुआ वो देखो सी। ये लिख के रखने चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस लेकिन जिस दिन वो होता है लाइक ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया एंड कई बार छह महीना एट मंथ्स वन ईयर टू इयर्स एंड टू थ्री इयर्स के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है एंड जिससे अच्छा हुआ वो हुआ अच्छा हुआ वो हुआ तो हो गया लेकिन वो दो तीन साल तो हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की ना तो मेरा बेस्ट वर्जन क्या होता गया तो बेस्ट वर्जन क्रिएट करना मतलब जैसी कोई सीन आती है जैसे कोई बात आती है मेरा फर्स्ट वाइब्रेशन क्या क्रिएट होता है तो जब भी कोई सीन आ जाए जो आपको लगे फेवरेबल राइट नहीं है इमेजिएट थॉट अभी लॉजिक भी नहीं उस पर यूज करनी है पहले इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि सबसे पहले उस सीन को दुआ दे दीजिए क्या दुआ देंगे इसमें भी बोलिए एक बार पहले अपने कोई लाइफ का एक सीन ढूंढ लीजिए इस टाइम ढूंढ लीजिए जो आपको लग रहा है इस टाइम के जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है इसमें भी कल्याण है वो क्यों चले गए इसमें भी उस आत्मा के लिए कल्याण है राइट right, है ना होगा नहीं दुख नहीं कितना कल्याण है उस आत्मा के लिए तो फिर हमारा दुख क्या होगा जाएगा अपने आप खायब हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन इट इज अबाउट वॉट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट द सिचुएशन विच डिसाइड्स माई पेन अगर मैं बोलूँ ये कैसे हो गया मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया ऐसे सिचुएशन इतनी होगी लेकिन मेरी थॉट्स ऐसी है ऐसे हो गया मेरे साथ ऐसे हो गया ऐसे नहीं होना चाहिए था मेरे साथ ही बार बार ऐसे होता है पता नहीं मेरे ही भाग्य में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं भगवान को मुझसे क्या प्रॉब्लम है इफ आई गो टॉकिंग लाइक दैट सिचुएशन का साइज उतना ही था लेकिन मेरी वाइब्रेशन तो बहुत नीचे चले जाएंगे और कभी हो सकता है कि जो सिचुएशन आई है वो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मैंने अगर कहा इसमें भी कोई राज है इसमें भी कल्याण है भले मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा लेकिन इसमें है तो कल्याण ही कल्याण ये सर्टन है आप ये एक थॉट क्रिएट करो माइंड को फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि उसके बाद ज्यादा थॉट्स नहीं चलती कभी भी एक्सपेरिमेंट करना है जब लोअर एनर्जी की थॉट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद कितनी थॉट्स चलती हैं किसी के बारे में ट्राई करो किसी के बारे में अच्छा बोलो कुछ ये बड़े अच्छे हैं अच्छा हाँ ये अपना सब कुछ करते भी अच्छा मतलब दो तीन लाइन से ज्यादा नहीं बोला जाता उसके बारे में होता है कि नहीं होता आप बोलो भी कितना अच्छा बोलेंगे हाँ ना बस है ना अच्छे बस है अच्छे अब ऑपोजिट बोलना शुरू करो हाँ किताब लिख सकते हैं देखो सो दिस इज अ सिंपल साइंस क्वान्टिटी एंड क्वालिटी अगर क्वालिटी ठीक है अच्छी है क्वांटिटी हमेशा कम होगी और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये बोलना बंद नहीं करेगा बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है आजकल हम में से बहुत बोलते हैं कि मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता है तो सोचना बंद नहीं करता उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे क्वांटिटी अपने आप अप कम हो जाएगी सो बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ मतलब मुझे अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है ऊपर उठाना है श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है सोला कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म सोला कला संपन्न मतलब जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं ना सोला कला कहते हैं ना सोला आने सच्ची बात मतलब परफेक्शन में थोड़ी सी भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं मिक्स चैरिटी नहीं सोला कला संपन्न मतलब हर संस्कार में परफेक्शन तो क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा है क्या आज का दिन सिर्फ उनकी महिमा के लिए होता है या किस लिए होता है अपनी वाइब्रेशंस को उधर तक लेकर जाने के लिए होता है तो सिंपल सिंपल स्टेप्स देखते हैं पहले तो अपनी वाइब्रेशन को अभी रैंकिंग दे दें कि आप अपने आप को अभी कहां पे विजुअलाइज़ कर रहे हैं लेट्स से कलयुगी वाइब्रेशन हाइपोथेटिकल है ये कोई साइंस नहीं है हाइपोथेटिकली हम कहते हैं टेन पे चल रही है अभी बहुत दर्द बहुत डर बहुत चिंता बहुत एंजाइटी, दुख टेन पे वाइब्रेशन चल रही है श्री कृष्ण सत्युग वाइब्रेशन हंड्रेड सोला कला संपन्न हंड्रेड वाइब्रेशन मतलब प्योरिटी एक भी थॉट में कोई स्वार्थ नहीं एक भी थॉट में मिलावट नहीं स्वप्न में भी मिलावट नहीं कोई इच्छा नहीं सोलह कला संपन्न मतलब कोई इच्छा नहीं कलयुग के लिए क्या कहते हैं इच्छाएं खत्म नहीं होती सत्यों के लिए पता है क्या कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या इच्छा मात्रम अविद्या मतलब डिजायर क्या होता है वो पता नहीं और डिजायर क्या होता है वो पता इसलिए नहीं क्योंकि सोल फुल है ना तो फिर हाथ ऐसे नहीं हो सकता कभी भी चाहिए 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 नॉट इन फिजिकल थिंग्स सारा दिन भी मुझे ये चाहिए ये मेरा कहना मानना चाहिए इसको मेरे अनुसार होना चाहिए फोन बंद होना चाहिए अनाउंस किया था ना के चाहिए ये चाहिए 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 ये चाहिए होता है मतलब मुझे बहुत कुछ चाहिए होता है सारा दिन एंड एवरी टाइम माइंड चाहिए 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 आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इवन इफ आई लुक एट माई विंडो लुक ऑट ऑफ माइ विंडो एंड से मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए इट्स अ चाहिए इट्स अ चाहिए मीन्स आई एम लाइक दिस और देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है दैट इज दी डिफरेंस कलयुग और सत्युग के बीच में बस यही डिफरेंस है कि कलयुग मतलब हमारा हाथ कैसा है ऐसे स्वास्तिक ड्रॉ करें माइंड में चार हाथ है चार हाथ है ना वो चार हाथ हमारे चार युगों को दर्शाते हैं सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग तो सत्युग फर्स्ट हाथ ऐसे है त्रेता युग हाथ नीचे है द्वापर युग हाथ ऐसे है कलयुग इसको बोलते हैं स्वास्तिक स्व का अस्तित्व ये स्व का अस्तित्व है कि हम पहले ऐसे थे फिर हम ऐसे हुए फिर हम ऐसे हुए फिर हम ऐसे हुए बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद कैसा होना है इसके बाद कौन सा भाग आता है इसके बाद कौन सा भाग आ रहा है इसके बाद फिर से वो भाग आ रहा है इट्स साइकिल सुबह दोपहर शाम रात के बाद फिर से सुबह आने है। रात को नहीं देखते रहना सारा दिन हो ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है रात और अब तो रात भी नहीं अब तो घोर रात्रि घोर रात्रि है ना मैं तो घोर कलयुग है लेकिन कलयुग थोड़ा सा और घोर होएगा अभी तो लेकिन एक टाइम होता है जहां कुछ लोग सो रहे होते हैं कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं और कुछ लोग उठ रहे होते हैं हम सबके घरों में भी ऐसे होता है किस किस के घर में होता है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग कटे कट्टे होता है ना एक जने का गुड नाइट हो, हो रहा होता है दूसरे जने का गुड मॉर्निंग हो रहा होता है ना तो वो कौन सा टाइम होता है रफली थ्री फोर एम फोर एम फाइव एम वाला टाइमिंग होता है कि वो चार से पांच बजे का टाइम जो है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे अमृत वेला कहेंगे कलयुगी संस्कारों के लिए वो गुड नाइट का टाइम होता है और अगर हमें अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है तो वो हमारा गुड मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए तो गुड मॉर्निंग मतलब अवेकनिंग जागरण अवेकनिंग मतलब सृष्टि चक्र में जो ये टाइम चल रहा है इसमें भी बहुत सारे लोगों का गुड नाइट का टाइम चल रहा है गुड नाइट मतलब सारे अपने अज्ञान के संस्कारों में चल रहे हैं एंगर इज नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल कोविड आया तो फियर इज नॉर्मल वरी इज नॉर्मल सारे नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल इसको कहेंगे अज्ञान नींद में सोना के अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोलते हैं फिर डायबिटीज होता है कैंसर होता है कहते नॉर्मल है आज तो नॉर्मल फिर डिप्रेशन आया कहते ये भी नॉर्मल है आजकल डिवोर्स तो होता ही रहता है नॉर्मल सो so, अज्ञान नींद कलयुगी संस्कार मतलब जितने अनकंफर्टेबल चीजें हैं उसको नॉर्मल बोल दिया समाज ने और नॉर्मल बोलकर उसको बढ़ने दिया वी आर नॉट इवन टॉकिंग हिस्ट्री हम सबके जीवन काल में थर्टी ईयर्स पहले जाओ तो डिप्रेशन नहीं पता था कैंसर तो एक रेरेस्ट ऑफ रेयर ऑफ रेरेस्ट, 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 रेरेस्ट चीज होती थी डिवोर्स अगर होता था तो किसी को बताते नहीं थे तो थर्टी इयर्स में हमने नॉर्मल की definition चेंज कर दी ये है अज्ञान में सुन। और ऐसे समय पर कुछ लोग गुड मॉर्निंग करेंगे तो सबसे पहली चीज हमने चूज करना है कि हम गुड नाइट की साइड पे या गुड मॉर्निंग जो गुड नाइट वाले होंगे वो यहाँ आए ही नहीं होंगे आज सिंपल बात है जिन्होंने जागना है वही तो आएंगे ना जागना मतलब वी आर रेडी टू वर्क ऑन आर सेल्फ वी नो वो लिव दिस लाइफ के ये सारी नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल जेलेसी नॉर्मल कंपेरिजन कॉम्पिटिशन दिस इज नॉट नॉर्मल तो हमारे लिए नॉर्मल क्या है फिर अवेकनिंग टू अ न्यू संस्कार दैट इज तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है ना घड़ी में इस समय का जो टाइम है तो ट्वेल्व ओ क्लॉक से थ्री ओ क्लॉक सत्युग थ्री ओ क्लॉक से सिक्स ओ क्लॉक त्रेता युग सिक्स ओ क्लॉक से नाइन ओ क्लॉक द्वापर युग नाइन ओ क्लॉक से ट्वेल्व ओ क्लॉक कलयुग क्या लगता है घड़ी किधर है अभी घड़ी किधर है नाइन ओ क्लॉक तो कलयुग स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वार्टर थ्री ओ क्लॉक तक सतयुग थ्री टू सिक्स युग सिक्स टू नाइन द्वापर युग नाइन टू ट्वेल्व कलयुग घड़ी किधर है अभी एग्जैक्टली exactly. बट इतना टाइम नहीं है अभी अभी दिखता है कि वाइब्रेशन कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द प्लैनेट कितनी नीचे जा रही है इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस समय आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही हो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो सब कुछ सही चल रहा हो लेकिन फिर भी आपको सडनली लो फील होने वाला है कभी कभी आपको फिर भी कभी कभी थोड़ी चिंता कभी डर ऐसे पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए होने वाला है कि वो हवा में होने वाला है सो ओवर दर इट्स ओनली अबाउट अस के मेरी पर्सनैलिटी क्या है नाउ इट इज अबाउट मेरी पर्सनैलिटी वातावरण की वाइब्रेशन से मैं उसको कैसे बचाऊ जैसे पिछले दो साल में फियर एंड एंगजाइटी इनक्रीज ऑन द प्लानट लगता है आपको फियर एंड एंगजाइटी इंक्रीज क्योंकि एक दो साल अगर बिलियंस ऑफ लोग कहेंगे फियर एंगजाइटी नॉर्मल फियर एंगजाइटी नॉर्मल फिर ग्रीफ भी हुआ फिर बहुत कुछ हुआ तो हवा की वाइब्रेशन अगर यहाँ थी तो यहाँ चली गई दो साल में उसका असर मन पर पड़ा और बहुत सारे मन को यही नहीं पता कि मुझे लो क्यों फील हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हवा दूषित हो गई अब या तो सृष्टि बदल जाए या हम बदल जाए दोनों में से एक होने की जरूरत है जैसे इफ मेरी हेल्थ एवरेज एवरेज है अगर मैं दिल्ली शहर में जाऊं जहां जा हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है तो मुझे ऐसे ब्रेथलेसनेस अस्थमा ऐसे ही होने लग जाएगा बट मैं अगर सिर्फ दिल्ली से बाहर जाके एक थोड़े से छोटे शहर में चले जाऊं आई एम परफेक्ट मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने आप के लिए तो या तो मैं शहर बदल लू और अगर उसी शहर में रहना तो फिर अपना इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो वहां नहीं चल सकता इसी तरह अब हम सृष्टि को हम नहीं बदल सकते लेकिन इस ईरा को क्रॉस करने के लिए जहां वाइब्रेशन बहुत नहीं घोर कलयुग व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड घोर कलयुग मींस वाइब्रेशन सृष्टि की कितनी नीचे और जाएगी और जब वाइब्रेशन नीचे जाएगी उसका हमारे और पर असर पड़ेगा अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं कि सिचुएशंस एंड पीपल अफेक्ट में तो फिर दे विल अफेक्ट में सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू चेंज दैट वन संस्कार दैट आई गेट अफेक्टेड बाय पीपल एंड सिचुएशंस अगर मैंने वो एक संस्कार भी क्रिएट कर लिया तो फिर आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द कलेक्टिव एनर्जी तो अगर सृष्टि की टेन है सत्यु की हंड्रेड है तो हम अपने आप को कौन से नंबर पर रखेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड पे तो कह नहीं हम बट हम अपने आप को कहाँ रखेंगे ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हाँ तो अपनी बताइए ना अपनी बताइए और अपनी लिखिए क्योंकि फिर उससे ऊपर जाना है क्योंकि अगर हम नाइनटी है तो भी तो हमें हंड्रेड जाना है लेकिन हमें सिर्फ चूज करना है कि ये नाइनटी से हंड्रेड जाने में करना क्या है लेकिन वट डू आई और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज डेफिनेट आज लिख के रखना है इसको अगर आप अभी जहां भी हैं अगर आप अपने आप को ग्रेजुअली ऊपर नहीं लेकर जाएंगे चाहे बहुत धीरे धीरे लेकर जाए अगर आप ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो आप नीचे ही जा रहे हैं Why? Only because ओनली बिकॉज ऑफ around अराउंड इट्स लाइक वी आर लाइक दिस तो भले बहुत धीरे धीरे गाड़ी चले ऊपर बस ऊपर चले ऊपर चले बहुत धीरे चले बट ऊपर चले अगर गाड़ी रुक गई तो ये गाड़ी नीचे आएगी क्यों? क्योंकि एनर्जी नीचे खींच देगी उसको लोकल ट्रेन हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं एनर्जी बाकियों की इतनी ऐसे होती है कि हम नीचे भी उतरने वाले थे तो वापस अंदर ही चढ़ जाते हैं क्योंकि वो सारी एनर्जी जा रही है सो द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द planet मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द कंट्री मेक्स अ डिफरेंस कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द सिटी वे यू लिव इन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अब यही आप यहाँ से हटके किसी और शहर चले जाओ हवा बदल जाएगी जैसे बॉम्बे में कहते जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर दिल्ली आओ कोई नहीं बोलते आराम से आराम से करेंगे करेंगे ऑपोजिट उधर तो देर हो रही होगी तो भी कहते चलते हैं ना क्या जल्दी है आराम से चलेंगे हवा अलग है हवा अलग है, हवा अलग है। तो देर इज दैट गेट्स क्रिएटेड इन सिटी तो वो हवा क्या होती है कुछ लोगों से क्रिएट होती है बाकी कुछ लोग तो उसको कैच कर लेते हैं और कैच करके वो उनका क्या बन जाता है संस्कार बन जाता है दो चीजों से हमारा संस्कार बनता है एक हवा एक पानी क्योंकि हम हवा ले रहे हैं उसके अंदर वो वाइब्रेशन है दूसरा ये जो शहर का पानी आता है हमारे पास उसके अंदर वो वाइब्रेशन है इसलिए लोग पीते हैं कौन से शहर का पानी पीते हैं आप उसी से पता चल जाएगा आप कैसे हैं आप कौन से शहर का पानी पीते हैं कई बार कुछ लोग जो हमारे यहाँ सेवा करते हैं ना घर पे काम करते हैं वो लोग छोटे छोटे स्थानों से आते हैं जैसे कभी हिल्स के एरिया से आते हैं बड़े इनसेंट होते हैं पहाड़ी इलाकों से आते हैं कुछ सालों बाद थोड़े से बदलने लग जाते हैं फिर लोग कहते हैं हाँ दिल्ली का पानी पी रहे हैं ना आजकल बदल गए सो दैट इज द इफेक्ट के अ पर्सन कैन चेंज संस्कार कैन चेंज ओनली बाय वे वी आर इस समय हम घोर कलयुग में है डजेंट मैटर हम मुंबई में है भारत में है या कहाँ भी है हम घोर कलयुग की एनर्जी में है हम घोर कलयुग का पानी पी रहे हैं हम घोर कलयुग की हवा ले रहे हैं आप आज एक कोई डिसीजन लो. कल आपका माइंड फिर ऑपोजिट बोलना शुरू कर देगा क्योंकि इट्स इन द एयर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब गाड़ी को ऊपर जाना ही पड़ेगा नहीं तो ये सडनली ऐसे जाएगी and इसीलिए इस time हम देख रहे हैं that it doesn't even remain that emotional health issues it even goes to mental health issues तो हर एक को अपने जीवन में सिंपल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स रखने पड़ेंगे जो हमारी वाइब्रेशन को रोज़ धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं ऊपर लेके जा रहे हैं एवरी पर्सन विल हैव to have दैट इन देयर लाइफस्टाइल हमें लगेगा हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक हैं तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम चल रहे हैं सर्टन है हम वैसे नहीं रहेंगे आप आज अगर फिफ्टी पर हैं आप अगले साल फिफ्टी पर नहीं रहेंगे अगर आप कुछ कर नहीं रहे होंगे सिक्सटी पर जाने के लिए अगर नहीं किया तो फोर्टी पर होंगे नेक्स्ट ईयर क्योंकि हवा तब तक टेन से फाइव पर चली गई होगी एंड हवा इसलिए असर करती है क्योंकि ज्यादा लोग उस साइड पर हैं सो द नंबर्स इज इन मिलियंस एंड पावर बहुत है नेगेटिव एनर्जी के अंदर सो इट्स लाइक हम इस कमरे में हैं तीन सौ लोगों की एनर्जी है सपोज हम अच्छे से फिफ्टी एट्टी पे चल भी रहे हैं लेकिन बाकी तीन सौ सडनली बहुत ही दर्द बहुत ही दुख बहुत ही इसी में चले गए और टेन पे चले गए तो हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा हमारा मूड चेंज हो ही जाएगा यह पता नहीं मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी इट्स इन दी एयर so now important is I have to protect myself it's like covid it's in the air I have to protect myself I can't just walk around careless I will have to protect myself और ये आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा दस वे अभी से ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने रोज लाइफ स्टाइल में क्या करते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही हो तो हमारी वाइब्रेशन किस चीजों से बनती है एक और है ना हमारे चारों तरफ एक और है ये और किस चीज से बनता है कौशल हमारा और किस चीज से बनता है हमारी थॉट्स हमारी इंटेंशंस थॉट के पीछे की भी इंटेंशन हम अगर कुछ सोचते हैं या बोलते हैं सामने वाला कहता है इसके पीछे आपका भाव क्या है आपकी इंटेंशन क्या है इंटेंशन बहुत सूक्ष्म होती है बहुत सकल होती है इंटेंशन इंटेंशन तो रुक के चेक करनी पड़ती है कि एक्चुअली मेरी इंटेंशन है क्या कभी कभी तो हमें खुद ही अपने इंटेंशन नहीं पता इवन सिंपल थिंग लाइक हम सेवा करते हैं किसी की मदद करते हैं किसी को कोई सहयोग देते हैं हम कहते हैं मेरे पास था मैंने दे दिया इंटेंशन रिटर्न में कुछ चाहिए तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं मुझे क्या चाहिए इसके साथ रिटर्न में और थोड़ा सा भी अगर किसी और को महिमा मिल गई कोई और आगे पहुंच गया इसने ये क्या मैंने भी तो इतना किया था मेरा क्यों नहीं नाम आया वहां पे फिर इंटेंशन तो इंटेंशन एक बहुत सूक्ष्म बहुत सटल चीज है इसकी बहुत डीप चेकिंग करनी पड़ती है किसी भी चीज में चाहे इन व्हाट आई एम डूइंग चाहे इन माय रिलेशनशिप्स चाहे इन वॉट एवर इज माई इंटेंशन इन दिस कि ये जो मैं कर रही हूँ ये जो मैं बोल रही हूँ इसके पीछे मेरी क्या इंटेंशन है अगर हम कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं ना तो भी रुक के चेक करना चाहिए मेरा क्या इंटेंशन था जो मैंने इसके बारे में ऐसा बोला हम कहेंगे नहीं नहीं वो है ही ऐसा इसलिए मैंने बोला वो कैसा भी है मैंने जो बोला उसके पीछे मेरा क्या इंटेंशन था एम आई ट्राइंग टू प्रूव आई एम बेटर देन दैन एम आई ट्राइंग टू स्प्रेड समथिंग नेगेटिव वॉट इज माई इंटेंशन बाई मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट समबडी मेरा इंटेंशन क्या है ऐसे ही चलते फिर कर दिया अगर हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं क्या हमारा वो कर्म बनता है वो हमारी वाइब्रेशन को कहा लेके जाएगा अगर हम आज चौबीस घंटे का एक होमवर्क रखते हैं आज से आठ बजे तक कल शाम के आठ बजे तक हम किसी के लिए भी एक नेगेटिव लाइन सोचेंगे नहीं बोलेंगे खैर तो ऑब्वियसली नहीं सोचेंगे भी नहीं कैन वी डू इट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड नेगेटिव मतलब के जो दिख रहा है 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 बट हम नहीं वो सोचेंगे बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फूल मुरझाए हुए हैं सपोज तो वो मुरझाए हुए हैं लेकिन वो मुरझाए हुए फूल कहाँ है? यहाँ है अगर वो यहाँ है वो मेरी वाइब्रेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं वो फूल मुरझाए हुए हैं अब चाहे वो फूल मुरझाया हुआ या व्यक्ति है यहाँ इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू माई वाइब्रेशन मैं यहाँ इसके साथ दस साल रह सकती हूँ एंड इट विल डू नथिंग टू माई वाइब्रेशन लेकिन अगर मैंने थॉट क्रिएट किया फूल कितने मुरझाए हुए हैं अब वो कहाँ आ गया अब वो यहां नहीं है। अब वो कहाँ आ गया अब वो मेरे और के अंदर आ गया है फिर वो एक लाइन पे तो रुकता नहीं है क्यों मुरझाए कितने मुरझाए कैसे मुरझाए किसने मुरझाए कब ठीक करेगा कैसे होगा होगा भी या नहीं होगा मतलब वो लंबा चलता है विच मींस ये एक अभ्यास है कलयुग है घोर कलयुग है सब तरह के संस्कार दिखेंगे दूर नहीं देखना पड़ेगा अपने घर में संस्कार दिख जाएंगे और हम कहेंगे ये ऐसे कैसे कर सकते मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है मेरा भाई ऐसे कर सकता है रिमेंबर सोल ऑन जर्नी इन डू नॉट बी सरप्राइज बाय एनी संस्कार मौसम खराब हो तो करती जुकाम हो तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए ठंड हो तो लोग स्वेटर पहन रहे हो तो क्वेश्चन नहीं करते है। स्वेटर क्यों पहना पहने ठंड है नहीं पहना तो बोलो घोर कल युग है आत्मा कहां पर पहुंची हुई है बैटरी डाउन फिर यह ऐसा क्यों है ये ऐसा क्यों है ये ऐसा क्यों है ये ऐसा क्यों है ये ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है करके हम अपनी बैटरी को एक प्रैक्टिस करनी है सिर्फ मेरे पास दस नेगेटिव संस्कार है मुझे उनको चेंज करना है हो जाएंगे प्रोवाइडेड मैं सारा दिन सबके और नेगेटिव नहीं भरू ना अपने और के अंदर हम एक सौ की बिल्डिंग में रहते हैं सौ मकान है मेरे घर में बहुत कचरा पड़ा हुआ है आज हो जाएगा साफ प्रोवाइडेड बाकी नाइनटी नाइन घरों का फिर तो कभी नहीं साफ होगा सो हमारे ओरा में जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन होती है वो किस चीज की होती है आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने ये भी थॉट क्रिएट किया ये ऐसा क्यों है ये ऐसा कैसे कर सकता था दीज आर स्पेसिफिक ये ऐसा कैसे कर सकता था इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ये एक एक थॉट हमारे और के अंदर दाग 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 और मेरी एनर्जी को क्या कर रहा है फिर हम सबको देख रहे हैं सब हमको देख रहे हैं सब एक दूसरे के दाग देखकर खुद को मैला कर रहे हैं तो परमात्मा सिखाते हैं अगर देखना भी है लोगों को और बोलना भी है कि ये ऐसा क्यों है तो उसकी अच्छाई को देखो और बोलो ये ऐसा क्यों है तो अपने हमारे और क्या आ जाएगा फिर हमारे और क्या आ जाएगा फिर उनकी अच्छाई मुझे अपनी एनर्जी फील्ड में नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए देन इट इज लाइक टेकिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन कर सर ट्वेंटी फोर आवर्स होमवर्क रेजिंग और वाइब्रेशन हम तो अड़ोस पड़ोस नहीं हम तो टीवी देखते हुए भैया ऐसा क्यों है इसने ऐसा नहीं करना चाहिए उसने ऐसा करना चाहिए सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए तो वी हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी ये ओपिनियन 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 हमारे ऊपर दाग रख रहे हैं हम ना उनको जानते हैं ना उनका वो कर बस ऐसे ही बैठे बैठे ओपिनियन और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया हम तो लिखते भी जाते हैं अपने ओपिनियन अपने तक भी नहीं रखते इट री फिर हम दूसरों के लिखे हुए ओपिनियन भी पढ़ते हैं नेगेटिव किसी के बारे में सोचो नेगेटिव किसी के बारे में लिखो नेगेटिव किसी के बारे में पढ़ो और नेगेटिव किसी के बारे में बोलो तो उसी टाइम बोल दो कि मैंने अपनी वाइब्रेशन को क्या कर दिया तो हमारी एनर्जी एक्चुअली हमारी वजह से डाउन नहीं हो रही जस्ट दूसरों के चिंतन से ही डाउन हो रही है और पहले हमारे दूसरों का सर्कल थोड़ा छोटा था भाई जो जो दिख रहा है वो ही था अब तो So you see, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं हम बनाते हैं इनको अच्छे इंटेंशन से फिर कई बार यही हमारी एनर्जी को क्या कर देते हैं डाउन कर देते हैं तो जो शब्द जो शब्द डिवाइन नहीं वो पढ़ने क्यों वो पढ़ने क्यों और पढ़कर अपने ऊपर दाग लगाना क्यों जब मेरे पास मेरे अपने दाग बहुत है जो मुझे मिटाने और जो आराम से मिट जाएंगे मैं सबके दाग अपने पे लगाऊ तो एंड जो हमारा और है वो सिर्फ हमारा नहीं रहता फिर हमारी एनर्जी फील्ड औरों पे भी इम्पैक्ट कर रही है इसी तरह तो सृष्टि कलयुग बन रही है हर एक दूसरे का गंध ले लेके लेके ले अपने और को और नेगेटिव कर करके इकट्ठे मिलकर पूरी सृष्टि की एनर्जी को कलयुग बना दिया अब क्या करना है अपने और को पहले प्रोटेक्ट करना है तो ये हम ट्वेंटी फोर आवर्स का होमवर्क करेंगे बहुत ईजी है गोल रखना है डिटर्मिनेशन से करना है पुराने संस्कार से माइंड बोलेगा लेकिन इसने ऐसा तो अपने माइंड को बोलना सब अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं कहीं हमारा रोल है कि हमें किसी को राय देनी है वो राय जाके देनी है आपके बच्चे हैं आपका स्टाफ है लेकिन वो राय में भी जो शब्द होने चाहिए वो शब्द एक दुआ होने चाहिए जो सामने वाले का भाग्य बदल दे जब आप उसको राय दे, दे सकते हैं ना राय उस तरह से जिससे दूसरे का भाग्य बदल जाए बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं कि नहीं तो राय देनी है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी राय को इम्प्लीमेंट दैट राय के नॉट गो विम दैट राय के नॉट गो विध पुलिंग आर सेल्फ डाउन पुलिंग डाउन एंड वॉन्टिंग गुड टू हैपन आउट ऑफ दैट राय हैो लाइक अ ब्लेसिंग और ब्लेसिंग मतलब पहले मैं उनके लिए एक अच्छे एनर्जी थॉट क्रिएट करूं वो वाइब्रेशन उन तक जाए और फिर मैं प्योरेस्ट वर्ड्स में उनको वो राय दू जिसको वो ऐसे स्वीकार करें जैसे उनको किसी ने दुआ दे दी है ब्लेसिंग मिली है भाषा को बदलने की जरूरत है सोच की भाषा बोल की भाषा और जब वो बदलेगी तो और तो अपने आप क्या हो जाएगा सो इट्स ऑल अबाउट जस्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और लैंग्वेज सीखना तो बहुत ईजी होता है जब हम तीन चार साल के होते हैं तभी हम दो तीन लैंग्वेजेस सीख लेते हैं अब हमने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है जिसमें हर वर्ड कैसा होगा प्योर सिर्फ पॉजिटिव नहीं अभी पॉजिटिव भी पुराना प्योरिटी होनी चाहिए हर शब्द में प्योरिटी होनी चाहिए ऐसे शब्द बोलो के सामने वाला बैठ जाए हाँ जी और बोलो मुझे सुनना है ऐसे नहीं बस बहुत हो। प्योरिटी मतलब मिठास नहीं वो वाली झूठी वाली मिठास नहीं प्योरिटी मतलब जिसके अंदर की इंटेंशन में प्योरिटी है जिसमें आप रियली really चाहते हैं कि दूसरे का कल्याण हो और दूसरे का कल्याण होने के लिए आप उसको शक्ति दे रहे हैं ताकि वो उसके अंदर का कल्याण हो किसी को डिप्लीट करके ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी को एनर्जाइज करके उसको ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति दी जा सकती है वो कैसे होगा जब हमारे से उनको क्या मिल रहा है सिर्फ सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अगर कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है पहले से रेडी रखने चाहिए ये सारे आंसर्स जो रोज होने वाले हैं एकदम हाईएस्ट वर्जन का आंसर देना क्या हाल चाल है सब चंगा हाँ वेरी गुड और अभी और हाई चलते हैं क्या हाल चाल है तो एवरी डे ना, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल चाल है क्या बोलेंगे परमात्मा की मौज में हाँ वेरी गुड देखा कितना प्यारा लाइन है सुन के ही सुनने वाले का भी क्या हो जाएगा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा ये है वाइब्रेशन और कई बार बोलते हैं, चल रहे तो दूसरे वाले की भी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है सी इम्पैक्ट ऑफ आर वर्ड्स इट इज एनर्जी आप या तो दूसरे की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या दूसरे के भी एनर्जी को घटा सकते हैं ऑल डिपेंड्स ऑन हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारी नहीं रहती है हमारी फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को सबसे वैल्युबल चीज समझ संभालना शुरू करें हम बाकी चीजों को संभालते रहते हैं अपने फोन को भी ऐसे पकड़ते रहते हैं कहीं गिरे नहीं कहीं सक... इसको पकड़ के रखे जैसे ये व्हाइट है अब सुबह पहनते हैं तो व्हाइट होता है लेकिन इसको रात तक व्हाइट रखना होता है सब जगह जाना है हर तरह की कुर्सी पर बैठना है फ्लाइट में बैठना है खाना खाना है सब कुछ करना है ऐसे नहीं है बारिश में से भी निकल कर आना है लेकिन इसको रात तक व्हाइट रखना है हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है नहीं हो सकता हो सकता है बहुत इजी है क्या करना पड़ता है उसके लिए सिर्फ अटेंशन ध्यान इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं ध्यान मतलब जस्ट टेक केयर मेक इट अ प्रायरिटी जिस चीज को प्रायोरिटी बनाएंगे वो चीज यहां पहुंच जाएगी तो अगर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि इस सुबह के वाइट को रात को व्हाइट रखना है क्या हम ये ध्यान नहीं सक सकते कि ये व्हाइट है और इसको रात तक व्हाइट रखना है ये ध्यान रख सकते हैं ये ध्यान रख सकते हैं रख सकते हैं बहुत ईजी है और अगर नहीं ध्यान रखते तो सुबह सुबह के पहले आधे घंटे में इस वाइट को पहले सुबह उठते ओ हो लेट हो गया गया डाउन फर्स्ट थॉट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठते फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए फर्स्ट थॉट हमारी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाए इसीलिए सुबह सुबह फर्स्ट थॉट में किसको याद करना चाहिए फोन देखने के बाद नहीं फोन देखने से पहले एक तो फोन देखने की आदत ने भी हमारी वाइब्रेशन को बहुत चेंज किया हुआ है वाइब्रेशंस ऐसी चीज होती है आप अगर किसी को मैसेज भी लिखें या आपके पास किसी का मैसेज आपको मैसेज देखकर उसकी वाइब्रेशन पता चलेगी किस किस को पता चलते है वाइब्रेशन मैसेज देख कर, पता चलती है ना फील करना है और जितना उसको फील करेंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी कि सिर्फ वाइब्रेशन ही देखो बाकी सब कुछ देखना बंद कर दो किसी को मिलते भी है ना तो किस चीज पर ध्यान जाता है या तो ये ध्यान जाता है कपड़े कौन से पहने है? नहीं लोअर एनर्जी सेकेंड ध्यान जाता है भी ये फिजिकली दिखने में कौन से है वो भी लोअर एनर्जी थर्ड ध्यान जाते हैं ये दुनिया में कौन है लोअर एनर्जी इनकी वाइब्रेशन कैसे है वेर एवर योर अटेंशन गोज यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे आप कभी धोखा खा ही नहीं सकते क्योंकि आप सामने वाले को उसकी वाइब्रेशन से परख लेंगे उसके शब्दों से नहीं उसके व्यवहार से नहीं उसकी वाइब्रेशन आपको उतनी पता चल जाएगी जितनी उसको नहीं पता होगी कि उसकी वाइब्रेशन क्या है बिकॉज उसका अटेंशन वाइब्रेशन पर है नहीं एंड जितना हम वाइब्रेशनल लेवल पर किसी जगह पर भी आओ गो टू एनी प्लेस फर्स्ट से हाउ इज द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस एवरीथिंग डोंट से ये जगह दीवार ने टेपेस्ट्री ने ये लोअर चीजें फिजिकल हाउ इज द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस वाइब्रेशन ऑफ दिस पर्सन आ गिव योर सेल्फ क्वेश्चन यूल गेट दी आंसर बट वहां अटेंशन गोज अटेंशन जैसे हम वाइब्रेशन पर वर्क करना शुरू करेंगे हमारा अपने आप अटेंशन हमारे किस चीज पर चला जाएगा वाइब्रेशन सुबह सुबह उठे ये ना देखें कि चेहरा कैसे दिख रहा है हाउ मई फीलिंग टूडे मेरी एनर्जी क्या है इट डिपेंड्स ऑन मेरी रात को नींद में थॉट कैसी क्वालिटी की चली थी एंड दैट विल डिपेंड ऑन मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसी थी रात को सोने से पहले मैंने क्या देखा था मैंने क्या सुना था उसके हिसाब से मेरे सारा दिन की थॉट्स बनती है फिर मेरी रात की थॉट्स बनती है सुबह मैं उठती हूँ तो मेरे चेहरे पे मेरी सोच दिखाई देती है लेकिन हम सोच को नहीं देखते हम कहते वो यहाँ ये आ गया यहाँ ये आ गया यहाँ उसको ठीक करने लग जाते हैं फिर उसको छुपाने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें लगा लगा के कुछ दिख रहा हो तो उसको छुपाना नहीं उल्टा और ही उसको अच्छे से देखकर उसको चेंज कर लेना चिंता चेहरे पर दिखती है अहंकार चेहरे पर दिखता है ह्यूमिलिटी भी चेहरे पर दिखेगी प्योरिटी भी चेहरे पर दिखेगी और जब प्योरिटी चेहरे पर दिख रही है तो उसको छुपाने की क्या जरूरत है आर्टिफिशियल चीजों के साथ फिर फिर उसको क्यों छुपाने की जरूरत है क्योंकि फिर तो आपके पास वो है जो दुनिया ढूंढ रही है तो इसीलिए जो इम्प्योरिटी है उसको साफ करना है प्योरिटी को छुपाना नहीं तो सुबह की फर्स्ट थॉट अब रख लेते हैं एक सुबह थॉट जो हम रोज सुबह क्रिएट करेंगे सुबह की फर्स्ट थॉट हाईएस्ट एनर्जी सुबह की फर्स्ट थॉट क्या रख सकते हैं एनीबडी हांजीट्यूड ग्रेटिट्यूड यस इतनी अंदर वो होनी चाहिए कोडेड कि ऑटोमेटिकली वो थॉट क्रिएट करती है जैसे आप शुक्राना किसका शुक्राना परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं फर्स्ट थॉट के अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ थॉट के अंदर नहीं फर्स्ट थॉट के अंदर इसलिए क्योंकि फर्स्ट थॉट में आप जिसको याद करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसको याद करते हैं आप अभी भी जिसको याद करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो गई है अगर वो लोअर एनर्जी पे हैं तो आप भी नीचे खिंच जाएंगे इसलिए कहते पता नहीं वाह मुझे लग रहा है वहां कुछ प्रॉब्लम है कैसे पता चल रहा है आपको क्योंकि आपकी थॉट उधर से कनेक्टेड है और वहां कुछ लो गया है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इसीलिए हम बचपन से सुनते हैं सिमर सिमर सिर्फ उसको याद करते रहो कहते कैसे सारा दिन उसको याद कर सकते इतना काम करते हुए उसका मीनिंग है कि सब कुछ करते हुए यहाँ पर कोई और रहना नहीं चाहिए पीपल शुड लिव विद अस नॉट ऑन आर माइंड है फर्क दोनों चीजों में लिव विद पीपल लिव विद पीपल बट डोंट लेट पीपल लिव इन योर माइंड जैसे पहले हम हाँ परमात्मा को याद करने बैठते थे लेकिन भगवान को याद करते हुए भी दूसरे लोग याद आते थे होता है ऐसा होता है पूरा अच्छे से हम पूरा रिचुअल पूरा करते हैं लेकिन जितनी देर कर रहे थे उतनी देर भी ये करना है वो करना वो तो इट्स ईजी ना कि भगवान को याद करें फिर भी लोग याद आ रहे हैं आप ऑपोजिट करेंगे लोगों के साथ रहेंगे लेकिन यहाँ भगवान सिर्फ स्विच ऑफ स्विच चेंज डोंट लेट पीपल लिव ऑन योर माइंड बैठ के रुक के अपनी थॉट को चेंज कर लो अगर कोई चल रहा है मन के ऊपर क्योंकि जो आपके मन पर है व्यक्ति उसके साथ आपकी अभी वाइब्रेशन कनेक्ट हो गई है अगर सामने वाला चिंता में है तो आपकी चिंता के साथ वाइब्रेशन कनेक्ट हो गई अगर सामने वाला डर में है, तो डर अगर सामने वाला प्योरिटी पे तो आपका प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो गया बट हाइएस्ट प्योरिटी के साथ कनेक्ट करे सो दिस इज अभ्यास दिस ऑल अटेंशन कोई भी गोल ऐसे ही नहीं अचीव होता है जस्ट अ लिटिल अटेंशन अ लिटिल अटेंशन अ लिटिल अटेंशन एंड इट शेल पीपल डू फॉर पीपल बट डोंट लेट पीपल लिव ऑन योर माइंड दे विल सक योर एनर्जी डाउन नीचे खींच जाएगी सारी एनर्जी क्योंकि हम जिसको याद करें वो क्या करें ऐसे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है फुल स्टॉप माइंड को इंस्ट्रक्शन देना बंद शुरू करना है फुल स्टॉप तो सुबह सुबह फर्स्ट थॉट में सबसे पहले शुक्राना सेकंड अपना भी शुक्राना करना अपने मन और शरीर का शुक्राना करना कितना काम करता है ये सारा दिन हम इसका शुक्राना नहीं करते जिस दिन ये थोड़ा सा चेंज करते हैं मेरा मोटा में हो गई मैं पतला में हो गई मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया रिजेक्शन बहुत करते हैं रिजेक्ट नहीं करना अपनी बॉडी को कभी भी या माइंड को ऑलवेज अप्रिशिएट एंड गिव ग्रैटिट्यूड इट विल हील और अगर हम करते हैं रिजेक्ट मतलब उसके अंदर नुक्स ढूंढते हैं कि ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं जैसे लोगों में नुक्स ढूंढते हैं वैसे हम अपने शरीर में नुक्स ढूंढते हैं और किसी में भी अगर नुक्स ढूंढेंगे या किसी भी नेगेटिव चीज मतलब दस चीजें अच्छी हैं शरीर में लेकिन एक चीज नहीं है तो वो ही देखते हैं शीशे में उसी को देखते रहते हैं उसी को देखते रहते हैं तो वेयर इज द अटेंशन गोइंग द अटेंशन इज गोइंग ऑन अ वीकनेस एंड इफ द अटेंशन गोज ऑन अ वीकनेस एनर्जी फ्लोस दैट थिंग ग्रोज मतलब वो वीकनेस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी जिस चीज को बढ़ाना नहीं उस चीज पर ध्यान देना नहीं हाँ ठीक करने के लिए कुछ करना है वो अलग बात है बट थॉट में ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया ऐसे नहीं होना चाहिए था वैसे नहीं होना वो अटेंशन वाला पानी दिया तो वो वाली चीज क्या हो जाएगी और ग्रो हो जाएगी इट्स वो तो शरीर का शुक्राना किया कभी मन का शुक्राना किया फिर लोगों का शुक्राना इन वन थॉट ऑल द पीपल इन माई लाइफ एवरीबडी सारा दिन कितने लोग हमारा ध्यान रखते हैं प्यार करते हैं दुआएं देते हैं शुक्राना करो फर्स्ट थॉट में बिकॉज आप जैसे थॉट क्रिएट करोगे आपकी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाती है और कुछ लोग अगर मेरे को तंग कर रहे हैं उनका डबल शुक्राना यस बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन आर लाइफ अगर एलिवेटर पे चढ़ते रहे तो कभी हेल्थ नहीं बनती है लेकिन जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं सब लोग अच्छे 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 हैं तो तो ईगो सिर्फ बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा कब जब कोई एक चैलेंज आता है जब कोई क्रिटिसाइज करता है जब कुछ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है और हम अपने ईगो पे वर्क करके उसमें से बाहर निकलते हैं उन लोगों का कितना शुक्राना करना चाहिए हमने अगर वो न आते हमारे जीवन में और ऐसा न करते तो हमारा ईगो तो और भी चैलेंजेस का हमेशा शुक्राना चाहना चाहिए बिकॉज दे मेक अस वेरी स्ट्रोंग दे मेक अस वेरी स्ट्रोंग जिम में जाके तो चक्कर करते रहते मैंने और कितने वेट उठाए मैंने और कितने वेट उठाए तो ये मेरे जीवन में मैंने जो वेट्स उठाए हैं जिससे मेरी एनर्जी और बढ़ गई है तो सबसे पहली चीज मॉर्निंग में शुक्राना से शुरू करना है अगर सुबह सुबह शुक्राना से शुरू किया ना सारा दिन की शिकायतें कम हो जाती है मतलब ना के बराबर हो जाएंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड पे सेट हो गई सुबह सुबह एक्सेप्टेंस लेवल इन द डे विल चेंज क्योंकि वाइब्रेशन ही ऊपर चली गई है सारा दिन में आपको कुछ भी चीजों का भी शुक्राना करना चाहिए वैसे चीजों का आप जिस बेड से उठे जितना आप मैटर का शुक्राना करेंगे प्रकृति का शुक्राना करेंगे जितना शुक्राना करेंगे आपका रिलेशनशिप उसके साथ जिसका आप शुक्राना करेंगे आपका रिलेशनशिप उसके साथ बहुत हारमोनियस बनता जाएगा प्रकृति के साथ भी एक रिश्ता होता है हमारा हो सकता है प्रकृति के साथ नेचर नेचर आपको सहयोग देगी अगर आपको कहीं जाना है और आपको चाहिए कि बारिश नहीं होनी चाहिए जस्ट क्रिएट अ थॉट किसी ने किया एक्सपेरिमेंट ऐसे डज इट वर्क दर्क दैट सॉल्व बट वी है उसको करेंगे रिश्ता क्या होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा प्रकृति के साथ रिश्ता चीजों के साथ रिश्ता चीजें आपको कभी नहीं धोखा देंगीज वर्क विद यू दे रिस्पेक्टिंग एंड ग्रेटफुल टू दैम आप सिर्फ उनका ध्यान नहीं रखेंगे आप शुकराना करेंगे एक होता है बेड से उठे तार करके ऐसे फेंका चप्पल ऐसे फेंके फिर वो भी आपको कुछ नहीं देंगे इन रिटर्न लेकिन अगर हर चीज को आपकी दैट इज ऑल्सो वाइब्रेशन कि हर चीज के साथ आपकी एनर्जी बहुत रिस्पेक्टफुल बहुत लवफुल नॉट ओनली इन द डूइंग, बट ऑल्सो इन द बींग इज ऑफ ग्रेटिट्यूड आपका रिलेशनशिप विद मैटर चेंज हो जाएगा एवरीथिंग दैट इज फिजिकल एंड जैसे ये हो रहा है हमारी वाइब्रेशन क्या हो रही है इसलिए आप देखो ना जितने भी संत महात्माएं या कोई बड़े अपने घर के होते हैं हम उनकी चीजें भी संभाल के रखते हैं नहीं कहते ये इनका ये था ये इनका ये चीजें क्यों संभाल के रखी हैं लोगों की क्योंकि उन चीजों के अंदर भी उनकी वाइब्रेशन है तो चीजों के अंदर भी हमारी वाइब्रेशन होती है तो चीज को हम कैसे यूज करते हैं कैसे हैंडल करते हैं दैट ऑल्सो हैज अ नॉरअ तो हम चीज को अपनी एनर्जी देते हैं और फिर जब हम चीज को यूज कर रहे हैं तो चीज से भी हमें वो एनर्जी मिलती है ये सब चीज इज एनर्जी इंटरप्ले और ये सब करते करते हमारे ओर में क्या आता जाएगा ठहराव चलते कैसे हम इवन दैट इज अ वाइब्रेशन इट रिफ्लेक्ट आप जैसा वॉक करेंगे ना आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए कहते हैं क्या हाल चाल है हाल और चाल कट्ठे कट्ठे होता है आप परेशान होंगे आपकी चाल अलग होगी आप उदास होंगे आपकी चाल अलग होगी आप जल्दी जल्दी में होंगे आपकी चाल थाप 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 करके जाते हैं ना मतलब बहुत एजिटेटेड है आप गाड़ी कैसे चलाते हैं दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर स्टेट ऑफ माइंड अगर कोई बहुत फास्ट चला रहा है रैश चला रहा है मतलब वो यहां से बहुत ज्यादा वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो आत्मा शांत नहीं है आत्मा शांत नहीं है तो जब ऐसे लोग आपके आसपास से गाड़ी चला रहे हो उनसे गुस्सा नहीं करते उनको भी ब्लेसिंग देते हैं क्योंकि वो पहले ही इतने एजिटेटेड है उनके लिए नेगेटिव सोच के उनके एजिटेशन को और बढ़ा नहीं देना देखो, ब्लेस यू जाओ जाओ शांत आत्मा हो आप भी परमात्मा के बच्चे वेरी एजिटेटेड वेरी हाइपर जो एक दस सेकेंड के सिग्नल पे नहीं रुक पाते हैं Impatience कितनी है अंदर कि हम 10 सेकेंड्स नहीं रुक सकते हमें लग रहा है जैसे कि हमारा कुछ बहुत खो जाएगा अगर हम दस सेकेंड रुक गए तो अपने आप को देखते जाए दिस इसके पीछे मेरा क्या इंटेंशन था एंड फिर उसको रुक के क्या करना है चेंज इट ओनली रिक्वायर्स अटेंशन दूसरों पर अटेंशन हटाएं दूसरे खुद को चेंज करेंगे मुझे सिर्फ किसी एक जने को चेंज करना है अपना चलने का तरीका खाने का तरीका उठने का तरीका बात करने का तरीका फिर सोचने का तरीका फिर रात को नींद की क्वालिटी उस पर डिपेंड करेगी फिर आपके स्वप्न भी उस क्वालिटी के हो जाएंगे दिस विल ऑल बिकम एन एनर्जी तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने शब्दों की भाषा को चेंज करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स का होमवर्क करते हैं आज दिन भी बड़ा हाई वाइब्रेशनल है आज हाई वाइब्रेशनल दिन है ना क्योंकि पूरे देश में महिमा पूजा प्यार भावना दैट्स एनर्जी दैट्स एनर्जी इन तो ऐसे दिन पर कोई भी चीज डिसाइड करो तो उसको करना और भी इजी हो जाता है कि हमें सिर्फ हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलने ट्वेंटी फोर आवर्स का ये गेम खेलते हैं रेडी और एक दूसरे को इस गेम में इन्वॉल्व कर लेना है ताकि अगर मैंने नहीं बोला तो सामने वाले ने क्या करना है मुझे रुक के टोकना और फिर मैंने अपनी लाइन को क्या करना है रीटेक करना है से इट अगेन या दैट्स दी ओनली वे टू लर्न इट डजेंट हैपन ऑन इट्स ओन इट डजेंट हैपन ऑन इट्स ओन अगर मेरे से एक लो वाइब्रेशनल लाइन बोली गई है आई हैव टू स्टॉप एंड डू इट अगेन जैसे आप फिल्म में करेंगे रिपीट योर डायलॉग अगेन या जैसे हम एक बच्चे को बोलना सिखाते हैं फिर से बोलो ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था फिर से बोलो फिर वो बोल लेता है फिर से ठीक से फिर भी उससे चार बार बुलवाते हैं कि पक्का हो जाए ठीक से बोला है That's all. वो थोड़ा सा अटेंशन हम उस बच्चे पे देते हैं स्टार्टिंग में वो जीवन भर के लिए एक वोकैबुलरी सीख लेता है अब बस हमें भी ऐसे करना है हम कुछ बोला किसी सिचुएशन के बारे में किसी व्यक्ति अपने बारे में भी मेरे से नहीं होता स्टॉप से इट अगेन

तो सिर्फ आसपास की भाषा से ही गाड़ी नीचे जा रही है एक सिंपल करते हैं मुंबई शहर है जल्दी करो जल्दी करो नहीं बोलेंगे हाथ से यू नो वाई बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ टर्बुलेंट एनर्जी अगर लेट हो रहा है तो जस्ट मूव फास्टर बट यू से जल्दी करो जल्दी करो दैट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी ऑफ लैक के मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी चीज में कमी का थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए भरपूरता का थॉट क्रिएट करना चाहिए अबेंडेंस मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास धन जितना चाहिए उतना नहीं है मेरी सेहत ठीक नहीं है बोलते रहो ठीक नहीं है जितनी है उतनी भी और अगर नहीं ठीक है बोलो सब परफेक्ट है वो मूवी थी ना ऑल इज वेल बस दैट इज द मंत्र ऑफ लाइफ और उसमें क्या था चाहे ये 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 कुछ भी हो सिर्फ क्या बोलो ऑल इज वेल उसका मीनिंग क्या है मतलब जो सिचुएशन है वो जिस एनर्जी की है वो एनर्जी नहीं बोलनी है लेकिन परफेक्शन की एनर्जी बोलनी है और परफेक्शन की एनर्जी बोल के उस सिचुएशन को परफेक्ट बना देना है इट्स सबो क्या तो अगर है, शरीर है कोई बोले कैसी है तबियत आपकी जी परफेक्ट है आपका क्या हाल है बताओ ये नहीं पता है क्या हुआ फिर उस दिन ये हुआ आपको कोई राय लेनी है उनसे बात करनी है उसमें भी नेगेटिव पार्ट डिस्कस नहीं करना नेगेटिव एक लाइन में बताना है और फिर सिर्फ सोल्यूशन पे बट टॉकिंग अबाउट आर प्रॉब्लम्स पता है फिर क्या हुआ फिर पता है क्या बोला उन्होंने फिर पता है क्या ऐसे हुआ फिर उसने भी ऐसे कहा फिर क्या करूं मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया ठीक ही नहीं हो रहा है तो अब आपने मुझे भी वो थॉट दे दी अब मैं घर गई मैंने सोचा इन्होंने इतनों को दिखा दिया है ये फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं पता नहीं क्या होगा इनका फिर अब मेरे थॉट मेरे माइंड में तो रहती नहीं सो सडनली यू हैव इन्वाइटेड एटलीस्ट मिनिमम ट्वेंटी टू फिफ्टी पीपल्स नेगेटिव एनर्जी इंट याइफ एंड वो अपने आप में हमारी एनर्जी को क्या कर देती है इसीलिए बींग अ पब्लिक फिगर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया ही हमारे ऊपर ओपिनियन रखते रहती है दे आर अलाउड टू डू इट बट देन उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपने चारों तरफ क्या बना लेना कि तो क्या है कि उसका यहाँ तक ही आएगी वो यहाँ के अंदर नहीं आ सकते लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज उसको पढ़ो ही मत पढ़ो मत क्यों पढ़ना हम कहते नहीं पढ़ लिया फिर असर नहीं हो रहा हो नहीं सकता पढ़ के असर नहीं होना इतनी मेहनत क्यों करनी है नहीं चाहिए और दूसरी चीज ये है जो महिमा बहुत लिख रहा है वो भी मत पढ़ो अपना कर्म करो अपना कर्म करते जाओ बस कर्म करते जाओ क्योंकि अगर महिमा पढ़ते जाएंगे तो निंदा की तरफ तो ध्यान जाएगा ही जाएगा अपना कर्म करते जाओ हमारा कर्म हमारी एनर्जी है अपने जीवन में कुछ भी नेगेटिव नेगेटिव मतलब कोई चैलेंज डोंट डिस्कस विद एनीबडी इट विल ओनली इंटेंसिफाई क्यों क्योंकि जिसको आप सुना रहे हो उसने भी उसके बारे में फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब रॉन्ग नहीं नेगेटिव मतलब चिंता आपके लिए नेगेटिव मतलब जिस भाषा में आपने बोला फिर उन्होंने उसको अपने संस्कार की भाषा में बोलना है तो सपोज आपने किसी को सिर्फ बोला आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है आपने आपने अपनी भाषा में बोला आपने मुझे सुनाया मेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट है अगर मैंने दूसरे को सुनाया हमने कहा पता है आज तो वो इतने कमजोर थे उठ ही नहीं पाड़े थे दैट इज माई वोकेबलरी क्योंकि अब वो मैं अपने संस्कार से सुनाऊंगी और मेरे संस्कार से तीसरे के संस्कार से पहुंचते पहुंचते दस लोगों की आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है उस टाइम कि आप बहुत बीमार है आप बहुत कमजोर हैं आप तो बिल्कुल शरीर ना चल रहा हो ना तो भी अगर कोई पूछे क्या हाल चल रहा है तो बहुत बढ़िया सब फर्स्ट क्लास आप बताओ सिर्फ डॉक्टर को बताना क्या हाल है उसके अलावा नो बडी नीड्स टू नो ओनली एनी बडी डू समथिंग अबाउट इट नीड्स टू नो इट रेस्ट द वर्ल्ड ड नॉट नीड टू नो इट वर्ल्ड यू टेल देम वी आर परफेक्ट बीमार है सबको बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा आप ठीक हो गए हाँ मैं बिल्कुल ठीक हुआ बिल्कुल ठीक हूँ सब लोग बोलेंगे वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इतनी एनर्जी आ जाएगी नहीं जो ठीक था वो ठीक हो जाएगा क्योंकि सब ने भेजा वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है, है एनर्जी एनर्जी लेकिन हम पहले बोलते टाइम नेगेटिव बोल देते हैं फिर वो सुनते टाइम क्रिएट करते हैं फिर वो चार लोगों को सुनाते हैं फिर वो क्रिएट करते हैं एंड वी सडनली हैव लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड दिस मीन्स एवरीबडी इवन अ सिंपल थिंग लाइक अ गर्ल कम्स होम अ पेरेंट्स विल आस्क हर सब ठीक चल रहा है ना घर में वो तो चार छह चीजें सुना देती है उन्होंने उस दिन ऐसा कह दिया फिर उसने ऐसा कर दिया फिर उन्होंने ये कर दिया फिर उन्होंने वो कर दिया आज तो मेरा झगड़ा भी हो गया था सुबह ये भी हो गया सुना के वो अपना चले जाती है वो चली जाती है लेकिन पेरेंट्स तो फ्री बैठे हैं घर पे, अब वो चिंतन चलता आउट ऑफ कंसर्न लेकिन चिंतन क्या चलता है मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है वी डोंट इवन रियलाइज हाउ मच नेगेटिव एनर्जी वी इनवाइट इनटू टू आर लाइफ बाय डूइंग इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखो उनके लिए रोज ब्लेसिंग क्रिएट करो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मतलब उसके लिए एक हाई वाइब्रेशनल लाइन क्रिएट करो पहले से ही उसकी लाइन बनाओ कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या बोलना है जैसे शरीर बीमार है तो उसके बारे में क्या बोलना है कैसा है वो शरीर ठीक हो जाएगा नहीं उसका तो मीनिंग है कि वो बीमार है ठीक हो जाएगा नहीं बोलना बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी सब बढ़िया बस बोलते जाओ क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे सबसे पहली चीज जो उस लाइन को सुन रही है वो है आपका शरीर ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं स्पेशली रात को सोने से पहले का टाइम और सुबह उठते ही टाइम अगर आपने रात को सोने से पहले बोला ना आज दर्द हो रहा है आज ये दर्द हो रहा है आज ये दर्द एंड लास्ट थॉट क्रिएट कर दो ये दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है और सो जाओ मॉर्निंग में जितना वो दर्द रात को था उससे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा वाई बिकॉज सिक्स आवर्स दैट थॉट हैज वर्क ऑन द बॉडी ये दर्द हो रहा है ये दर्द हो रहा है और अगर दर्द हो रहा है और रात को सोने से पहले बोलो सब परफेक्ट है एकदम परफेक्ट है अगले छह घंटे परफेक्ट होने का वाइब्रेशन बॉडी पे रेडिएट हो जाएगा और वो जो दर्द था वो हील होना शुरू हो जाएगा बॉडी इज नॉट अबाउट द बॉडी बॉडी इज ऑल्सो अबाउट द वाइब्रेशन विच इज गोइंग फ्रॉम योर टू द बॉडी हम बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए लेकिन सारा दिन में जो हम नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में बोलते हैं वो सबसे पहले हमारा शरीर सुनता है तो अपने हेल्थ के लिए गॉसिप करना बंद करते हैं डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल क्योंकि सबसे पहली चीज वो हमारे शरीर के हर सेल पे वो एनर्जी पहुंच रही होती है कितना नुकसान करती है अगर आप एक दिन चेक करें कि आपकी कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या है आप किसी से मिले आप पंद्रह मिनट बात की या आपने किसी को फोन किया पंद्रह मिनट बात की आप रखिए फोन एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस कॉन्वर्सेशन डिड इट एलिवेट मी और डिड इट ब्रिंग मी डाउन एंड नेक्स्ट टाइम आई गोइंग टू बी केयरफुल हर कॉन्वर्सेशन हर इंटरक्शन इसने मेरी एनर्जी को ऊपर लेकर गई या ये कॉन्वर्सेशन मेरी एनर्जी को नीचे लेकर आई पार्टीज पे जाते हैं हम कहते हैं पार्टीज पे हमें जाना होता है हर पार्टी के बाद चेक करें कि आपकी एनर्जी ऊपर गई या आपकी एनर्जी नीचे आई नहीं तो वो पार्टी ही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा डिप्लीटर बन जाएगी इफ वहां जो आप खा रहे हैं वो नीचे आ रहा है आपको जो आप पी रहे हैं वो नीचे आ रहा है आपको जहां वो संग है वो नीचे ला रहा है आपको और जो आप बातें कर रहे हैं अगर वो नीचे ला रहा है तो फिर हमारा जाना रिस्क ही था हमें लगता है हम डी स्ट्रेस होने के लिए पार्टीज पे जाते हैं हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आई तो वही चीज हमारे लिए डिप्लीटर बन जाएगी अपनी लाइफ की डिप्लीटर्स ढूंढ के रखने हैं मेडिटेशन के लिए सेंटर पर जाना हो टाइम नहीं है पार्टी पे जाना हो टाइम है तो हम चूज कर रहे हैं कि जहाँ मेरी वाइब्रेशन बढ़ सकती है आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम और जहाँ मेरी वाइब्रेशन घट रही है आई से जाना ही पड़ेगा उन्होंने बुलाया है मैं नहीं जाऊँगा तो कल वो नहीं आएंगे वट एवर रीजन वी गिव टू आर सेल्फ सो वी हैव टू टेक केयर वेर एवर आई गो वट एवर आई डू वट एवर आई स्पीक इट टू एनर्जाइज में। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए जैसे हम लोग डाइट प्रेफरेंस नहीं करते हम कहते ये हम नहीं खाएंगे तो इसी तरह ये हम नहीं सुनेंगे वो लोग कोई और बात करते हैं कोई और बात करते हैं क्यों सुनना हम कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया हो नहीं सकता क्योंकि जो एक कान से सुना वो यहाँ जाके यहाँ से निकलेगा यहां तो छपेगा ही छपेगा ये सारी चीजों की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों हाइएस्ट वर्जन वी बिकम द हाईएस्ट वर्जन हाइएस्ट वर्जन इज नॉर्मल लोअर जो हम हो रहे हैं उसको बंद करना है तो इसलिए सबसे पहली चीज एवरी डे में कम से कम

नहीं तो मेरा कवच स्ट्रांग नहीं बनेगा और अगर नहीं स्ट्रांग बना तो मेरे ऊपर आप सिर्फ एक घंटा फ्लाइट में बैठ जाओ आपके ऊपर 300 लोगों का वाइब्रेशन एक घंटे के लिए पड़ा है आप एक ट्रेन में बैठ जाओ एवरी प्लेस इज पीपल 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 एंड पीपल 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 मीन्स वाइब्रेशन तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना सारा दिन लोगों के बीच रहने के लिए फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे शहर से दूर जाके रहना है ना हमें दूर जाके नहीं रहना हमने सबके बीच रहना है लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है ऊपर उठाना है ताकि जब आपका वाइब्रेशन ऊपर जाता है तो लोअर वाइब्रेशन नहीं आते लेकिन आपके हायर वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे आपके हायर वाइब्रेट बिकॉज एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर नॉट फ्रॉम लोअर टू हायर तो एनर्जी टेन के आपके ऊपर ऐसे नहीं जाएगी अगर आप नाइन्टी पे हो या हंड्रेड पे हो आपकी एनर्जी उन पर जाएगी आपके घर की एनर्जी ऐसी बन जाए कि लोगों का मन शांत हो जाए आपके घर आकर बन सकता है या नहीं बन सकता सो नाउ इट्स नो मोर अबाउट बिग होम्स प्रिटियर होम्स इट्स अबाउट हाई एनर्जी होम्स और उस घर में सबसे पहले उस घर में रहने वाले होंगे हर रोज और फिर जैसे ही कोई आएगा ना उसका ध्यान आपके फर्नीचर पे पेंटिंग पे इस पे नहीं जाएगा बातें आपके घर आके बड़ी सुकून सी लग रही है दैट इज सक्सेस अगर किसी ने आकर कहा आपके घर आकर मुझे सुकून महसूस होता है दैट इज सक्सेस दैट इज सक्सेस सक्सेस इज नॉट ओनली वट वी बाय सक्सेस इज हो वी आर लेकिन उसके लिए घर में क्या होना चाहिए फिर फिर घर में एनर्जी कैसी होनी चाहिए तो इसलिए सबसे पहली चीज दिन की शुरुआत में आधा घंटा कम से कम मेडिटेशन को अब ऑप्शनल नहीं रखना यह मत सोचना मैं तो ठीक ठाक हूं मुझे करने की जरूरत नहीं है सब जिनको कुछ कुछ थोड़ा अभी हुआ है वो एक दिन पहले तक ठीक ठाक ही थे सडनली अफेक्ट होती है वो एनर्जी and plus वेअर नॉट डूइंग इज ओनली फॉर आर सेल्फ डोंट वी वॉन्ट टू रेडिएट गुड एनर्जी टू एवरीबडी एल्स हमें कोई दिखता है उसके पास खाना नहीं है हमें बुरा लगता है हम उसको खाना दे देते हैं हमें दिखता है किसी के पास ये नहीं है हम रुक के उसको वो हमें ये नहीं दिखता कि लोगों के पास सुख शांति नहीं है हमारा मन नहीं करता कि हम इतनी सुख शांति क्रिएट करें कि हम दूसरों को भी दे सकें थोड़े दिन पहले हम जो मुडली स्टडी करते हैं रोज सेंटर पे तो उसमें परमात्मा ने कहा बहुत जल्दी ऐसा दिन आने वाला है जो लाखों लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे बस मुझे एक मिनट शांति का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिकॉज इट विल रीच टू घोर कलयुग मीन्स दैट एंड परमात्मा ने कहा आपके पास आपके कर्मों से इतना शांति और सुख का स्टॉक होना चाहिए है कि आपसे मिलकर उनको एक मिनट में शांति और सुख मिल जाए होना चाहिए ऐसी सेवा या नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ऑल द मनी पुट टूगेदर हमें शांति नहीं दे सकती है तो उस पर मेहनत की वो आ रहा है अब इस पर भी मेहनत करेंगे ये भी आ जाएगा लेट्स नॉट डिप्लीट आर पावर कर सकते हैं थर्टी मिनट्स रखें मेडिटेशन के लिए रोज टाइम है मेरे पास बहुत टाइम है बोलिए एक बार और रोज बोलिए इस लाइन को बिकॉज यू विल क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद टाइम समय भी एक एनर्जी है और समय के साथ एक प्यारा रिश्ता क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है बिल्कुल नहीं बोलना टाइम नहीं, टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ मेरे पास बहुत टाइम है एंड टाइम हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी तो टाइम भी खुश हो जाएगा आपसे बिकॉज टाइम के साथ भी तो एक कर्म क्रिएट होता है ना मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा कभी नहीं बोलना, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा कभी नहीं बोलना बहुत देर हो गया ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था मतलब समय हैज नॉट बीन नाइस टू मी नेवर समय भी नाराज हो जाता है नहीं तो So be very केयरफुल विद ऑल एनर्जीज इट्स नॉट जस्ट पीपल इट्स टाइम इट्स वेल्थ इट्स बॉडी इट्स एवरीथिंग इसीलिए वो कैबलरी को चेंज कर दो तो हर एक के प्रति लाइन चेंज हो जाएंगे तो मेरे पास कितना टाइम है बहुत टाइम है पक्का भाषा चेंज आज से नहीं बोले आई डोन्ट है माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली तो फिर टाइम गया कि सारा एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट टाइम इट्स अबाउट माइंड को एनर्जाइज नहीं करते तो हर चीज को ज्यादा टाइम लगता है करने में जब हम वाइब्रेशन पे वर्क करना शुरू करेंगे जो सबसे प्यारी चीज़ हो जाएगी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई चली जाएगी। इंट्यूशन पावर ऐसी हाई चली जाएगी कि जो होना चाहिए बस वही थॉट आपको आएगी दूसरी कोई थॉट नहीं आएगी बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग विदेरी क्लीन वेरी क्लीन वेरी प्योर माइंड जो सिद्ध होने वाला है बस वही थॉट आएगी दस थॉट आएंगे नहीं और जो थॉट आपको आ गई और जो वर्ड आपने बोल दिया वो सिद्ध होगा ही होगा क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऊपर चली गई है जिसको दुनिया में कहते हैं सिद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष मतलब इन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा सिद्धि स्वरूप आत्मा आपने बोल दिया हो जाएगा ये सब लोग अचीव कर सकते हैं वो जो सारा दिन सिर्फ स्वच्छ सोचते हैं स्वच्छ बोलते हैं तो उनके शब्दों और संकल्पों में प्योरिटी आती है जहाँ प्योरिटी आती है वहां पावर आती है और जहाँ पावर आती है आप जो बोलेंगे सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा सो so, इतना टाइम बचेगा इतना टाइम बचेगा क्योंकि सारा जो सोचने में टाइम जाता है वो सारा बच जाएगा एंड जस्ट थॉट एंड इट शैल है इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी वरी नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं होगा बोलो यही होगा सो so, सिर्फ कैसे हो जाएगा ये सफाई रखने से अगर रूम क्लटर्ड होता है तो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता साफ होता है तो हर चीज पता चल जाती सो so, इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा अरे आई हैड नॉट इवन इमेजेंड लाइफ ऐसी भी हो सकती है लाइफ ऐसी भी हो सकती है कि मैं सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करूं किसी चीज के बारे में और वो हो जाए इंट्यूशन से चलेंगे लॉजिक से नहीं ऑनलाइन आंसर नहीं ढूंढेंगे अपने ऑनलाइन आंसर नहीं ढूंढेंगे इनसाइड आंसर है इंट्यूशन मतलब जो ट्यूटर अंदर बैठा हुआ है inside. पर परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया क्वेश्चन पूछा आंसर मिल गया ये करूं या ये करूं सारे लोग बोलेंगे ये कर वहां से आंसर आएगा ये कर और इतना क्लियर होगा कि दो थॉट नहीं चलेगी उसके ऊपर चॉइस है ऐसी जीवन बनाए तो वही इसने वो क्या उसने वो क्या वो भर के यहाँ पर मेला करें क्या करे तो वो है दिव्यता डिविनिटी सत्योगी वाइब्रेशन तो आज से अपने को एक टाइटल दे दें आई अ सत्योगी सोल बोले रेडी है ना आई एम सत्योगी सोल सत्योगी सोल का हाथ कभी भी मतलब ये वाला हाथ ये वाला हाथ ऐसे नहीं होगा कभी भी मुंबई में ऐसे तो किसी का हाथ नहीं है सबका ये वाला हाथ अब ये वाला हाथ भी ऐसे होना चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ सबको देने वाली आत्मा सब जो देते हैं उनको उनकी कैपेसिटी से ज्यादा मिलता है लेकिन जो ऐसे खड़े होते हैं वो जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं विच मीन्स कंटेंटेड नहीं होते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहिए की साइड पे है तो एक संकल्प रोज करना है आई एम सत्योगी सोल सत्योगी सोल बोलने से हम कलयुगी वाइब्रेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जैसे आप मुंबई में लेकिन आप बोले नहीं आई एम नॉट मुंबई आई एम फ्रॉम डेली तो ऑटोमेटिकली आपने एक एनर्जी दे दी मुंबई को आई डोंट बिलोंग हियर आई बिलोंग देयर सो आई एम अ सत्योगी सोल इज अ वाइब्रेशन जैसे आपने वर्ड किया आई एम अ सत्योगी सोल आपके ऑरा के अंदर कौन सा वर्ड आ गया सत्योगी एनर्जी चेंज एनर्जी चेंज मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए है मैं सबको मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ एनर्जी चेंज रोज अपने आप को कहिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मतलब फिजिकल नहीं कुछ नहीं चाहिए मतलब नाम मान शान मेरा कहना कोई माने कुछ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ तीसरा मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं है हम है हम है कितना धीमा हम है यस तो मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ मीनिंग परमात्मा मुझे यूज करके हरेक को सुख दे ये रोज संकल्प करना है अपने लिए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ परमात्मा मुझे यूज करके वेर आर वेर एवर बी आईट कैन बी एट वर्क इन बिजनेस ऑन द ट्रेन ऑन द फ्लाइट वेर एवर परमात्मा मुझे यूज करके हरेक को सुख देता है मुझसे मिलकर सामने वाली आत्मा उधर कनेक्ट हो जाए अगर हम ये चार पांच संकल्प अपने लिए रख लेते हैं और उन संकल्पों को रोज पानी देते हैं मतलब रोज उसको रिपीट करते हैं आई एम अत्योगी सोल मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं सबको देने वाली आत्मा हूं मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख देते हैं बस अभी किसी मीटिंग में जा रहे हैं किसी को मिलने जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं जाने से पहले मैं सत्युगी आत्मा हूँ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं इस मीटिंग में क्यों जा रही हूँ परमात्मा का फरिश्ता हो परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख दे सो वाइल यू आर टॉकिंग यू यूर डूइंग योर बिजनेस डील वाइल यू आर साइनिंग योर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अ डूइंग बट इन द बींग गॉड्स पावर एंड एनर्जी इज गोइंग टू एवरीबडी उनको आपसे मिलकर अच्छा लगेगा क्योंकि आपका और क्या होता जा रहा है तो उसके लिए नेगेटिव शब्द अंदर कम करें विच मीन्स स्ट्रिक्ट हो जाए कि हम फोन टीवी न्यूज़पेपर से अपने अंदर क्या डाल रहे हैं याद रखिएगा मेरा और मेला हो रहा है इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट डोंट कंज्यूम नेगेटिव वो कैबडरी सो कॉन्टेंट से ध्यान रखेंगे कॉन्वर्सेशन से ध्यान रखेंगे भाषा में किसी के बारे में हम ये ऐसा ही है ये ऐसा है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया दुआएं दे दुआएं दे सबको हर सिचुएशन अगर चैलेंज भी है इसमें भी इसमें भी कल्याण है एंड होता ही है बट बोलना है बोलने से एनर्जी ठीक हो जाएगी कल्याण तो आ ही जाएगा बाद में इसमें भी कल एंड व्हेन यू कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें कल्याण ही होता है क्योंकि यू आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी सिचुएशन कि इसमें भी कल्याण है और लास्ट चीज अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है उसके अंदर से भी नेगेटिव आ जाता है क्योंकि हम शहर की सब्जी खाते हैं हम शहर का पानी पीते हैं हम शहर की हवा के अंदर है तो कभी भी ऐसे ही नहीं खाना पीना है रुकना है उसकी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना है अगर अभी तक सात्विक नहीं शुरू किया है आज का दिन बहुत अच्छा है कभी सोचना है किसी के दर्द का खाना हम नहीं खा सकते हैं इट इज नॉट अबाउट राइट रॉन्ग एथिकल नॉट एथिकल रिलीजन इट इज नथिंग टू डू विद दैट इट इज जस्ट अ ट्रेम्बलिंग क्राइंग एनर्जी दैट आई एम कंज्यूमिंग मरते हुए उस बच्चे की उस व्यक्ति की उस जानवर की, की उस जो भी है उसकी क्या एनर्जी थी जो हमने कंज्यूम किया हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं उसके बाद होगा ही नहीं क्योंकि हमने एनर्जी कौन सी कंज्यूम किया एक घंटे के लिए शमशान घाट चले जाओ खड़े हो जाओ आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है हम आने के बाद पहले शावर लेते हैं वी वॉश आर वाइब्रेशन इसीलिए शावर लिया जाता है घर को धोया जाता है जहां बॉडी पड़ी होती है जहां बॉडी पड़ी होती है वहां किचन नहीं चलता है क्यों क्योंकि टॉक्सिकन होता है यहाँ तो डेड नहीं है यहाँ तो मर्डर है और वो बॉडी तो महीना महीना फ्रिज में पड़ी हुई है और हम बोलते हैं दिस इज हेल्थ हम उसको हेल्थ बोलते हैं इट इज प्रोटीन विद अ लॉट ऑफ पेन हेट्रेड हेल्पलेसनेस क्राइंग कैसे खा सकते हैं इन द नेम ऑफ हेल्थ किसको चीट कर रहे हैं किसको धोखा दे रहे हैं किसको धोखा देते हैं कौन सा कर्म बन रहा है अच्छा, तो अपनी हेल्थ के लिए किसी को डेथ दू और फिर अपने को हेल्थ दू ये कौन सा कर्म बनेगा ये कौन सा करम? अगर वो हेल्थ था भी अब तो खैर सभी डॉक्टर्स ही बताते हैं कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा नुकसान हो रहा है बट अगर वो हेल्थ था भी तो मैं अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को डेथ दू ताकि मुझे हेल्थ मिले ये कौन सा कर्मा मिलेगा इट्स लाइक इफ आई वॉन्ट मनी तो दूसरे की चोरी कर लो ये कौन सा कर्मा मिलेगा तो आज का दिन बहुत अच्छा है सारे बहाने खत्म करते हैं होता सिर्फ टेस्ट है और कुछ नहीं है कोई हेल्थ के लिए नहीं ले रहा है इट इज टेस्ट एंड इट इज एन एडिक्शन एंड लाइक एनी अदर एडिक्शन उसको तीन महीने के प्रोजेक्ट की तरह छोड़िए तीसरे महीने उसकी तरफ देखा नहीं जाएगा देखा नहीं जाएगा लेकिन ये कर्म नहीं करना है ये कर्म नहीं है कैसे उस दिन थोड़े दिन बीच में पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था अगर किसी ने देखा वो जो गोट थी उसको बेचा जा रहा था वो कैसे रो रही थी देखा किसी ने वो वीडियो वो कैसे रो रही थी वो रो के अपने वो मालिक के पास ऐसे ऐसे अपना कंधा लिटरली लाइक ह्यूमन अब बिल्कुल दैट इज वॉट वी आर ईटिंग वी आर ईटिंग समबड़ी स्पेन जैसा अन्न वैसा मन है तो आज का दिन बहुत प्योर एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोड़ो भी नहीं एक्सपेरिमेंट थ्री थ्री मंथ्स आपको अपनी नेचर में चेंज दिखाई देगा आपको अपने बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा फिर तीसरी चीज घर का खाना और किचन में अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज कल सुबह से शुरू करें किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले होने चाहिए पूरे घर के ऊपर उसका असर पड़ेगा हाई एनर्जी वर्ड्स किचन में सारा दिन होने चाहिए एटलीस्ट जितनी देर खाना बन रहा है क्यों मंदिर का प्रसाद गुरुद्वारे का लंगर क्यों अच्छा फील होता है क्यों एनर्जाइजिंग क्योंकि वहां वो शब्द चल रहे होते हैं वहां वो भजन चल रहे होते हैं बस और कुछ नहीं है सिंपल होता है खाना तो लेकिन वहां वो शब्द चलने की वजह से वो शब्द खाने में चले जाते हैं और खाने के बाद वो शब्द मन पर चले जाते हैं क्या हम एक छोटा सा सिस्टम छोटा सा फोन छोटा सा कुछ नहीं रख सकते हैं किचन में इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है करेंगे रखेंगे आज से पक्की पक्की बात हंड्रेड परसेंट इजिएस्ट एज में तो हमें कुछ नहीं करना बस जाके वहां रख दे वो शब्द चलते रहे पूरा टाइम तो जो भी शहर का पानी हम पी रहे हैं अब वो शहर का पानी नहीं वो परमात्मा के शब्दों का अमृत बन जाएगा जो हम खाना खा रहे हैं वो किसने उगाया वो दर्द में है फिर वो कहा मंडी में आया तो वो चिल्ला रहे हैं फिर वो किसने बनाया वो किससे फोन पे बात करते हुए गॉसिप करते हुए बना रहे थे फिर घर में उस टाइम न्यूज चल रही थी नो हाउ मेनी वर्ड्स इन टू द फूड कम से कम वो हाई एनर्जी वर्ड्स को खोते टाइम डालने रहे और फिर खाना मुंह में डालना नहीं है विदाउट पुटिंग हाई वो तो बिल्कुल करना ही नहीं है कर सकते हैं रुक के रुक के और खाने को देख के बोलना आई एम सत्योगी सोल तो खाने में भी कौन सा शब्द चला जाएगा सत्योगी चला जाएगा मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं सबको परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख देते हैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं सबको देने वाली आत्मा हूं और अगर आप ये शब्द डाल के रोज खाना खाएंगे एक दो महीने के अंदर आपको किसी से सच्चे में कुछ नहीं चाहिए वो एक्सपेक्टेशन लेवल अपने आप अपने आप अपने आप धीरे धीरे कम एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा मतलब हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी ये क्योंकि तो हम सत्योगी आत्मा है तो कलयुग में रहकर सतयुग बनाना है इसीलिए देवी देवताओं को कमल पुष्प पे दिखाते हैं सभी देवी देवताओं को कमल पुष्प पे दिखाते हैं कि कीचड़ में रहना है लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए कमल पुष्प मतलब लोअर एनर्जी में रहना है लेकिन लोअर एनर्जी मुझे टच नहीं होनी चाहिए व्हाइट और के साथ सुबह निकलेंगे और रात को वाइटर ओरा के साथ वापस आएंगे क्योंकि सारा दिन ऐसे कर्म करेंगे जो सबकी दुआएं मिलेंगे सारा दिन कर्म ऐसा करो कि सबकी दुआएं मिलेंगे दुआएं मिलने से वाइट वाइटर हो जाएगा वाइटर हो जाएगा कुछ भी ऐसा नहीं करो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है इवन अ सिंपल चीज लाइक गाड़ी पार्क करने अगर मेरी गाड़ी पार्क करने से किसी के दो संकल्प भी चले तो दाग पड़ी लेकिन अगर कोई जाना चाहते है रुक जाओ उसको बोलो आप आगे जाओ पहले देखो वो आपको दुआ देके जाएगा लेकिन वो जा रहा था उसको बीच में घुस के अपनी गाड़ी को आगे करो वो दो नेगेटिव संकल्प देगा हर स्टेप पे या तो दुआ अर्न होगी या दुआ का ऑपोजिट उसको बोलो आप आगे जाइए पहले मेरे बहुत अच्छे लोग बास हो गया दुआ क्योंकि दूसरों को सुख दिया कितना इजी है और को वाइट बनाना और वाइट से वाइटर बनाना और रोज सुबह मेडिटेशन कर दे आज प्रॉमिस अपने आप को ये यस yes, मेडिटेशन हमें सीखनी भी है हम कहते मैंने कोशिश की मुझसे नहीं हुआ हमें सीखना है सीख कर फिर करना है और मेडिटेशन और ज्ञान रोज कम से कम आधा घंटा ज्ञान अंदर जाना चाहिए मतलब हाई वाइब्रेशनल शब्द दूसरे वाले हटाने हैं और ये वाले डालने हैं जंक फूड आउट हेल्दी फूड इन जंक कंटेंट आउट हेल्दी कंटेंट इन मेडिटेशन स्टार्ट हो गया आपको कुछ करना ही नहीं है सारा दिन वाइब्रेशन का होगी यहाँ और यहाँ से वाइब्रेशन होगी सब तक इट रिमेन ओनली विद यू दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट यू आर बिकमिंग अ रेडिएटर ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लानट चेंज हो रही है आपसे रेडी चलो सीधा होकर बैठे देखें अपने आप को ये करते हुए कुछ कुछ प्रतिज्ञाएं कर लें आज कुछ कुछ प्रतिज्ञाएं कर ले आज यस रेडी हाई वाइब्रेशनल दिन पर तो सबकी दुआएं भी मिल जाती हैं। क्या लाइफस्टाइल चेंज आज हम क्रिएट करेंगे वो प्रतिज्ञा अपने आपके लिए कीजिए वो की गेम द गोइंग टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज मेरा हर कर्म सबको सुख देने वाला है मेरा हर शब्द दुआ है मेरा शब्द उनके व्यवहार उनके संस्कार पर निर्भर नहीं है मेरे शब्द मेरी प्योरिटी के इंटेंशन से है माई एवरी वर्ड इज अ ब्लेसिंग मैं सिद्धि स्वरूपात्मा हूं संकल्प किया सिद्ध हो गया <laughs> सत्युगी आत्मा सबको देने वाली आत्मा निंदा स्तुति एक समान द सेंटर जय पराजय एक समान मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा परमात्मा का फरिश्ता हूँ मैं परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है इसको ड्रॉ कीजिए व्हाइट डिवाइन लाइट सर्कल अपने चारों तरफ ड्रॉ कीजिए इसको अभी ऑल अराउंड यू। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है इस कवच के अंदर कोई और एनर्जी नहीं एंटर होती है ड्रॉ करना है लेकिन इसको सी इट मैं सोला कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सत्युगी आत्मा हो मेरा शरीर निरोगी कंचन काया परफेक्ट हेल्दी बॉडी जो हो रहा है बहुत अच्छा इसमें कल्याण है मेरा अन्न प्रसाद है अमृत है मैं सत्यु की दिव्यात्मा हूं आज से मेरी प्रायरिटी मेरा व्हाइट डिवाइन और मेरा एनर्जी सर्कल ये मेरी प्रायरिटी है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करते हुए मेरा वाइट डिवाइन एनर्जी सर्कल मैं सबको सुख देने वाली ंग आया चुआ मुझसे हरेक को सुख और शक्ति मिलती है मैं लाइट हाउस हूँ मैं माइट हाउस हूँ मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं हम हाँ में से जिस जिसने मेडिटेशन अभी तक नहीं सीखा है आज हम अपने आप से पक्का करते हैं कि हम थोड़ा सा समय निकालकर कर सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखेंगे ही अब हम इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे आज के बाद इट्स नाउ, अभी प्रायरिटी है और फिर सीखकर उसको मैं अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा एनर्जाइजिंग हम बिल्कुल इसी वाइब्रेशन में रहेंगे अपनी चेकिंग करते जाएंगे अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं होने देना है हम इसी एनर्जी तक घर में चलेंगे ताकि हमारे साथ ये वाइब्रेशन हमारे घर जाएगी हमारी वाइब्रेशन हमारे साथ घर जाएगी और जब हम रोज घर पे कुछ मिनट के लिए भी इस तरह से बैठकर चिंतन करेंगे जैसे आपने नोटिस किया होगा इस हॉल की एनर्जी अभी चेंज हुई है इसी तरह आपके घर की एनर्जी रोज चेंज हो जाएगी रोज चेंज हो जाएगी तो थोड़ा सा अनाउंसमेंट सुनेंगे लेकिन हमारी एनर्जी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए स्टेब थॉट मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ मैं सत्यों की आत्मा हूँ मैं सबको सुख देने वाली और मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच है हम इसी साइलेंस में रहकर अनाउंसमेंट सुनेंगे